आज हम बात करने वाले हैं गुरु के गोचर की। जी हाँ, गुरु महाराज गोचर करने वाले हैं अप्रैल में। एक बड़ा प्लेनेट जब गोचर करता है तो क्या क्या होता है। शनिदेव ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं, तो आइए आकाश से बात करते हैं हम। आकाश चौहान कैलगरी से हमारे साथ हैं, कनाडा से। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा प्लेनेट गोचर कर चुका है और एक बड़े प्लेनेट गुरुदेव गोचर करने वाले हैं। किस किस जिंदगी में क्या प्रभाव लाएंगे? रोहित जी, हम स्टार्ट करते मेष लगन वालों से, क्योंकि मैं जी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने बहुत अच्छा सा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया, ये देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। एरीज ओह ब्यूटीफुल। एसेंडेंट में जुपिटर ट्रांजिट करेंगे इनके फर्स्ट हाउस में, इनके लगन में, जी राइट? एंड बहुत मतलब ब्यूटीफुल ट्रांजिट है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा ट्रांजिट तो मैंने कभी, मतलब चलो हमारे लिए भी आएगा ये, सबके लिए बहुत कुशल मंगल होगा ये ट्रांजिट। जी जुपिटर बैठेंगे फर्स्ट हाउस में। अब आप इसमें ना दो चीजें देख लीजिए, जिन लोगों पे शनि की दृष्टि पहले घर और उनके फिफ्थ हाउस पे मतलब है एग्जैक्टली, तो वहां पे इनको बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। शनिदेव जो थोड़ा सा इनको टफ टाइम देने लगे थे, जुपिटर आके उसको बहुत न्यूट्रल कर देंगे सब चीजों को। आप देख सकते हैं रोहित जी कि कैसे फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ गए, यहाँ पे शनि जी की नीच दृष्टि पड़ रही है सबके लिए, ओ और यस वहीं पे जहां पे जुपिटर की सेकंड दृष्टि पड़ रही है, फर्स्ट दृष्टि सॉरी, जो है जी लियो, जो है सिंह राशि, वहां पे शनि की दूसरी दृष्टि पड़ रही है। सो यहाँ पे शनि, यहाँ पे जुपिटर जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं इनके लिए, तो मैं आपको ब्रीफ में फटाफट बता देता हूँ। जुपिटर ट्रांजिट करे इनके लगन, लगन क्या होता है बेसिकली, वो अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने हेल्थ, जनरल हेल्थ, और अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आपके विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, कि क्या आप उस कैंसर हो गया फॉर एग्जांपल, क्या आप उससे बाहर निकल पाएंगे, क्या आप में इतनी विल पावर है कि आप उसे लड़ पाएंगे। और काफी लोग, मैंने काफी क्लाइंट्स देखे मेरे जो तो लड़के ठीक हो गए, हैट्स ऑफ टू देयर लगन एंड हैट्स ऑफ टू देयर विल पावर। ये आपकी पसंद और नापसंद का घर है, आपके ओपिनियंस का घर है, ये आपका एटीट्यूड का घर है, ये आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी आपका हेड, आपका ब्रेन, आपका फेस, ये उसका घर है। यहाँ पे जब जुपिटर गोचर करेंगे, और जुपिटर है बहुत अच्छे प्लेसमेंट में इनके लिए, और जुपिटर इनके फ्रेंड्स है, इनके फ्रेंड भी है, क्योंकि देखो जुपिटर इनके दो घरों को रूल करते हैं, एक भाग्य के घर को और एक मोक्ष के घर। और अच्छी बात यह कि जुपिटर भाग्य को देख भी रहे हैं इसके बारे में, तो मतलब जिनका एरीज एसेंडेंट या जिनकी भी जुपिटर की गोचर होने वाली है उनकी तो बहुत लाइफ बनने वाली है, क्योंकि हर जगह जुपिटर इज लुकिंग एट द 9th हाउस, द हाउस ऑफ धर्म, और वो है घर उनका खुद का। तो ये हायर लर्निंग, मतलब जितने भी, ये अप्रैल के बाद से देखना, मोस्टली पूरी दुनिया में हायर लर्निंग एक बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। गुरु का या टीचर का रिस्पेक्ट करना एक बहुत बड़ी चीज बन जाएगी, बिकॉज ये नेचुरली गुरु ऐसा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे ला रहे हैं। आई थिंक कलयुग में ये भगवान हमें चांसेस दे रहे हैं कि हम गुरु बना ले, हम अच्छे रास्ते पे चले, हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहे। सो बेसिकली रोहित जी, ये ना जी, एक इस तरह का सिग्निफिकेंस दिख रहा है मुझे। सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अब हम बात करेंगे कि जुपिटर की जो पहली दृष्टि है जो आपके पुत्र भाव पे पड़ेगी, जो आपके फिफ्थ हाउस पे पड़ेगी, और जो सूर्य की राशि है, और यहाँ पे सूर्य परम मित्र जुपिटर के, इनफैक्ट जुपिटर तो देव गुरु है, देव गुरु, तो सब तो जुपिटर के आगे अपना शीश ही झुकाते हैं, तो यहाँ पे भी सारी प्रॉब्लम्स इस घर से रिलेटेड जुपिटर के आगे अपना सर झुकाएगी। ये प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या बच्चे प्लान कर रहे हैं, आपको बच्चों, आपको चाहिए कि हमारे बच्चे हो जाए, तो मेष लगन वाले रेडी हो जाओ आप 9 महीने बाद डायपर चेंज करने के लिए। ये आपका वो टाइम है जब जुपिटर आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी बाहर निकालने के लिए, आपकी मेंटल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, आपकी आप फॉर्च्यून बेसिकली लक, आपका लक शाइन होगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑप्टिमिज्म बढ़ेगी। सो बेसिकली यहाँ पे जुपिटर एनहेंस करेंगे वो चीजें जो आपने
जो आपने मतलब आप जिसके लिए बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे अपने आप को, आप उसके लिए अब अमेजिंग, मतलब मैं आप, ये मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, इतना अच्छा गोचर है। जो जुपिटर की सेकंड दृष्टि की बात करें हम, तो वो पड़ेगी आपके सेवेंथ हाउस पे जो है तुला राशि। यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस इसलिए नहीं कि जुपिटर यहाँ पे दृष्टि देख रहे हैं, चैलेंजेस इसलिए क्योंकि ये हाउस है स्पाउस एंड पार्टनरशिप्स का, और ये हाउस है वीनस का। वीनस यानी शुक्र, शुक्राचार्य यानी दैत्यों के गुरु, और बृहस्पति यानी देव गुरु। यहाँ पे इन दोनों की विचार नहीं मिलते, ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, खाली इनके विचारों में डिफरेंस है। बहुत लोग बोलेंगे अरे ये सातवें घर में देख रहे हैं आपको, आपका तलाक हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, बोले नहीं 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 ये आपके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, ये उस लेवल तक नहीं आने देगा, क्योंकि जुपिटर का काम तो ये है बेसिकली कि किस तरह आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को, आपकी लाइफ में रास्ता दिखाना, आपको वो कभी खराब रास्ता दिखा ही नहीं सकते। तो जुपिटर को ऐसा प्लैनेट माना जाता है जो किसी भी घर में किसी के साथ भी बैठे वो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। अगर आपको एक और बात फैक्ट बता दूं, अगर आपको अपना डेट पता नहीं, टाइम पता नहीं, कुछ नहीं पता, और आपको कोई जेम स्टोन पहनना है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आंख बंद करके जुपिटर का स्टोन येल्लो सफायर यानी पुखराज पहन लीजिए। अगर आप पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते तो येलो टोपास वो पहनिए। तो ये येलो टोपास काफी सस्ता इन इंडिया 200 रुपए कैरेट तक मिल जाता है, तो 5-6 कैरेट का आपके वेट के हिसाब से पहनिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कैसे तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। बट यहां सेवेंथ हाउस में जब युवती भाव पे, जब आपके पार्टनर्स पे, जब आपके मैरिज पे, जब आपके रोमांस पे बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि अगर कोई अनबन चल रही हो तो वहां उसे वो सॉल्व करें। वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इस घर में देख के, बट हाँ अगर आपका वीनस अच्छा प्लेस्ड है तो ऑटोमेटिकली ये घर आपका अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में कहीं जुपिटर और वीनस ने राशि परिवर्तन किया है और फिर वो यहां देख रहे हैं, फिर तो आपकी लॉटरी लग गई। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस में देखना यानी आपके अंदर प्यार की भावना जागना, और सेवेंथ हाउस में देखना यानी आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने, या किसी और से प्यार होना, या किसी और को पसंद करना, तो थोड़ा उससे आपको बचना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम यहां से कि जुपिटर की जो थर्ड दृष्टि है वो जा रही है इनके नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस हाउस ऑफ धर्म, स्पिरिचुअलिटी, भाग्य। यहाँ पे आपको अब ऐसा समय होगा कि आपको कोई गुरु लाइक फिगर, आपके फादर, फादर लाइक फिगर आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करेंगे कि ये रास्ता अपनाएंगे तो बेस्ट होगा, और आपको ये बात मान लेनी चाहिए क्योंकि गुरु की ये दृष्टि सबसे पावरफुल दृष्टि है। इनफैक्ट उनके प्लेसमेंट से भी ज्यादा उनकी थर्ड दृष्टि को सबसे पावरफुल दृष्टि माना जाता है। यहाँ पे गुरु आपको रिलीजियस बनाएंगे, यहाँ पे गुरु आपको कर्म की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे धर्म की तरफ लेके जाएंगे, आपके एथिक, आपको एथिकल बनाएंगे कि ना बुरा करे ना किसी का बुरा हो तो सहे भी ना। ये आपको अच्छी चीजों की तरफ लेके जाएंगे, चैरिटी की तरफ लेके जाएंगे, आपका लक चमकेगा, आपके ऊपर कृपा होगी, बेसिकली दोनों हाथ से कृपा है भगवान की। अब आप इसे खुशी में कृपा मानते हैं या दुख में मानते हैं, ये आपका अपना खुद का ही है, क्योंकि आज के समय में लोगों को ये कृपा नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, लोगों को चाहिए कि पैसा बनता रहे। बट आप सोचिए कि आपके ऊपर गुरु बृहस्पति जो सबसे अच्छे प्लैनेट है वो ऐसी कृपा कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको आपके 12वें घर की तरफ लेके जाने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं आप ये जान लीजिए कि अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, हमारा जो बर्थ है वो हमारी जर्नी सिर्फ डेथ के लिए ही है। अब वो डेथ लेके हम क्या नया जन्म लेंगे या हम मोक्ष के दरवाजे पे खड़े रहेंगे, ये तो हमें यहाँ इस जन्म के कर्म ही उसका हिसाब किताब बताएंगे। सो जुपिटर आपको इस ट्रांजिट से रेडी करने आएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, कि ऐसा नहीं कि ये ट्रांजिट खत्म हो गई तो वो आपको ये सब गुरु ले जाएंगे, आपका आपका धर्म ले जाएंगे, ये तो बस वो आपको इनिशिएट करने है कि चलो धर्म धर्म का पालन करो, अच्छे काम करो। तो ये था एनालिसिस फॉर जुपिटर ट्रांजिट इन
एरीज लग्न, ध्यान रखिए लग्न। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। रोहित जी, जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान किया, बहुत अच्छी बातें, क्योंकि यहाँ सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है, आपने लोगों को अध्यात्म से भी जोड़ने की कोशिश की, बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव की दृष्टियों को समझाया है, क्योंकि उसमें अमृत होता है। तो पहले घर में थोड़ी सी ईगो आपको देंगे, उससे बच लेना आप, लेकिन जहां उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, बच्चों से खुशी, पत्नी से खुशी, भाग्य उदय होगा, जब ऐसी सब चीजें हो जाती हैं तो आदमी थोड़ा घमंडी हो ही जाता है, ईगो आ ही रोहित जाता है, उससे आपको बचना पड़ेगा। बाकी आपने जी, बहुत सुंदर तरीके से बताया। ईगो तो हमारे संतों में भी था, हमारे ऋषियों में भी था, इसलिए तो श्राप देते थे वो। पर भगवत गीता में यही समझाया गया है कि जिस मनुष्य ने, या जिस जिसने अपने इस ईगो पे, इस मन पे कंट्रोल कर लिया, वो हो जाता है ईश्वर के साथ एक। सही कहा आपने, क्योंकि गीता में ये लिखा है कि आपको स्थित प्रज्ञ रहना है, मतलब कि बहुत खुशी हो जाए तो खुश नहीं होना है, बहुत दुखी हो जाए तो दुख नहीं होना है। जो बंदा इस स्टेज में आ जाए कि उसको खुशी की कोई खुशी नहीं है, गमी की कोई गमी नहीं है, न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं, मोक्ष का मतलब ये है जीरो, न्यूट्रल बैलेंस आपका जीरो हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा, तो जी उस स्थिति में आने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बड़ा सरल तरीके से आपने समझाया है, और आपसे मिलेंगे। अब वृषभ वालों के लिए, वृषभ लगन वाले इंतजार करते रहेंगे अपना, उनके लिए भी आपसे मिलेंगे, और देखेंगे कि आप उनके लिए क्या अपने पिटारे में से निकाल के लाने वाले हैं, क्योंकि सब आपसे, एक ये भी लोग कमेंट करके कहते हैं और फोन करके कि आकाश जी हमें इसलिए भी बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह नहीं है, वो अच्छी अच्छी चीजें ही बताते हैं, अच्छी चीजों से हमारा पॉजिटिव मन बनता है, और अगर कुछ गलत होना हो वो भी नहीं होता क्योंकि वो इतना पॉजिटिव कर देते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले, क्योंकि आप हर बार मुझे कह देते हैं कि रेमेडी जरूर बता देना क्लोजिंग पे, तो आप कोई भी लगन वाले हो हम जरूर बताएंगे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि गुरुदेव का यही मंत्र है, इसे जपते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे एक रोहित नए। जी, ऐड गायत्री मंत्र भी गुरु के लिए बहुत अच्छी मंत्र मानी जाती है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है गायत्री मंत्र। आप जस्ट गायत्री मंत्र गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। इसका जरूर, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े फिल्म करण सेलिब्रिटीज को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर ऐसे जोहर सेलिब्रिटीज को करण जौहर ने अभी कुछ दिन पहले बताया कि मैं सुबह उठ के भगवत, ये ओम नमो भगवत, ये गायत्री देखा है, गायत्री मंत्र मंत्र करता हूँ, जिससे मेरे को एनर्जी मिलती है। जब इतने एनर्जी बड़े मिलती है, और बड़े मैंने लोग, इसका एक पूरा विवरण पढ़ा था गायत्री मंत्र का, कि इसका क्या वो एग्जैक्टली साइंटिफिक आधार है। इसमें हम पूरा एक आप वीडियो अगर बनाएंगे। लगातार, जी अगर लगातार गायत्री मंत्र करते हो तो बहुत ऑरा आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप किसी के भी सामने, ऑफिस में कहीं भी जाएंगे, वो आपके ऑरा से बच नहीं पाएगा, वो मतलब कह जाएगा यार ये कौन आ गया सामने। ये है चमत्कार गायत्री मंत्र का। हम, जी आपने सही कहा, इस पे हम एक साइंटिफिक वो वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या इसके मायने हैं। जी ठीक है रोहित चलिए, जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और हमारे इस साल का सबसे बड़ा मंत्र जो हम क्लोजिंग पे कहते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान। हम बात कर रहे हैं कि कैसा रहने वाला है गुरु का गोचर, और बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों को इसके लेके, तो आज हम वृषभ लगन वालों की बात करने वाले हैं। वृषभ लगन किनका होता है, किनको ये देखना चाहिए, गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है। मेरे साथ है आकाश चौहान कैलगरी से। आकाश बताइए सबसे पहले, बहुत बहुत स्वागत है, वृषभ लगन होता किनका है और गुरु का गोचर कैसा है इनके लिए। वही सिंपल वे में मैं जो बताना चाहूंगा आपको कि ये रहा वृषभ लगन, दैट इज टॉरस एसेंडेंट, यानी दो नंबर। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस दो नंबर, पहले वाले घर में, बीच वाला जो घर है केंद्र का, उसमें अगर दो नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपकी आपका लगन है वृषभ लगन। एंड वृषभ लगन का जो नेचुरल मालिक है वो है लॉर्ड वीनस, यानी शुक्र। शुक्र है दैत्य गुरु, शुक्राचार्य, और जी जिस की ट्रांजिट की हम बात करने वाले वो है देव गुरु बृहस्पति। जी सो दोनों गुरु है। अब जो वृषभ लगन वाले, इनके लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है, जो गोचर है, वो इनके 12th हाउस में, मेष राशि में होने वाला है। आप देख सकते हैं रोहित जी कि किस तरह
ट्वेल्थ हाउस में मेष राशि में गुरु 22 अप्रैल को वहां पर आ चुके होंगे, लेकिन जब वो आए होंगे तब वो कंबस्ट स्टेटस पे होंगे, वो अस्त होंगे, और 27 तारीख को वो अस्त से बाहर आके नॉर्मल पावर में आ जाएंगे। आप साइड में मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने और भी लिखा है, लेकिन इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस अप्रैल में बनाकर डालेंगे, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जस्ट एक जनरल प्रेडिक्शन है। जी सो हम बात करेंगे गुरु की मेष राशि में 12वें स्थान में बैठने से वृषभ लगन वालों के लिए कैसा फल लाएगा ये। देखिए, जी गुरु का नेचुरली भी जो हाउस है वो है 9th और 12th, तो यहाँ पर जो 12th हाउस है मेष राशि, यहाँ पर हाँ वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में इस घर में जुपिटर का प्रभाव रहता ही है। ये घर में जुपिटर का प्रभाव रहता ही है। ये घर किस चीज का घर है, हम चलो इसके बारे में सोचते हैं। वैसे तो इसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स आजकल के खर्चे का घर बताते हैं। ओहो, जी घर की दशा आपका तो खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा। बट जी नहीं, जी ये घर है डिटैचमेंट का घर, ये घर है सेल्फ अनडूइंग। कोई चीज जो हो गई है उसको उसको अनडू करने की चीज। आपने कुछ सीख लिया जो गलत काम है, उसको उससे डिटैच होने का, उसको अनडू जी करने। ये घर है ड्रीम्स देखने का घर, ये घर है सीक्रेट्स का घर, ये घर है हॉस्पिटल, ये घर है आइसोलेशन, ये घर है जी इंप्रिजनमेंट, और इसे कहा जाता है मोक्ष भाव। यहां से हम देखते हैं कि क्या आपको मोक्ष प्राप्त होगा इस जी जन्म में कि आप अगला भी जन्म लेंगे। जी तो ये घर बेसिकली है, और जुपिटर यहाँ बैठ के अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं, क्योंकि जुपिटर इज द ओके प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, जुपिटर राइट इज द प्लैनेट ऑफ अनडूइंग डिटैचमेंट अनडूइंग थिंग्स। वो चाहता है कि आपने जो जो बुरी आदतें सीखी है खत्म करो, अनडू करो उसको, चलो अब नई आदतें सीखो, अच्छी आदतें सीखो, स्पिरिचुअल हो जाओ आप। ये आपकी लाइफ साइकिल का जो रियल पर्पस है वो इसको एंड करना ही है, मतलब बेसिकली सारे अच्छे कर्म करके इस युग से निकलो, बाहर राइट इस यूनिवर्स से बाहर निकलो। सो बेसिकली इसलिए जुपिटर को मोक्ष का कारक भी कहा जाता है। अब जुपिटर यहाँ पर बैठ के इनके 12th हाउस को काफी स्ट्रांग कर रहे हैं। इनको अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, हॉस्पिटल से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, सेपरेशन फ्रॉम पार्टनर से रिलेटेड, फ्रेंड से रिलेटेड, तो यहाँ पे इनको काफी आराम मिलने वाला है। और जुपिटर की रोहित जी तीन दृष्टियां होती है। जी अब यहां से जो पहली दृष्टि वो डाल रहे हैं वो इनके 5वें घर यानी लियो सिंह राशि में डाल रहे हैं, जो इनका चौथा घर है, हाउस ऑफ कंफर्ट। ओके एंड ओके जुपिटर इज परम मित्र ऑफ सूर्यदेव, जी तो 5th हाउस में जो जो इनको फल मिलने वाले वो बहुत ही अद्भुत होने वाले, बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। ओके यहां पर अगर आप और एक चीज देखें तो जुपिटर ही सिग्निफिकेटर है 5th हाउस का। ओके चौथे घर का चौथा घर है ये, बट 5 नंबर जो राशि है उसका सिग्निफिकेटर जुपिटर को ही माना जाता है, भले वो सूर्य की राशि है, पर यहाँ पे जी जुपिटर की एनर्जी एक्चुअली प्रेजेंट है। तो जुपिटर यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंड से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, आपको नए वाहन लेने के योग बनेंगे, आपको घर लेने के योग, अगर आप घर के बारे में सोचे तो घर लेने के होंगे, आपके घर में खुशियां बढ़ेगी, क्योंकि इसको सुख स्थान कहा जाता है, जी 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 तो माता से लाभ होने के चांसेस है, माता की सेवा करने का मौका मिलेगा। अगर आप फॉरेन लैंड्स में हैं तो क्या आप अपने होम लैंड विजिट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और यहाँ पे आप अपने सब नियर एंड डियर वन से क्लोज आ सकते हैं। जी उसके बाद रोहित जी जुपिटर देखिएगा इनके जी इनकी 6th हाउस में, जो इनका 7 नंबर यानी तुला राशि है, जो लग्नेश ओके की राशि है। ओके, ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि लग्नेश की राशि है वो, और ये जी राशि ये कुंडली को दी गई है, युवती भाव जो है इनका, ये इनका हाउस ऑफ सॉरी ये जो इनका है ये शत्रु भाव है इनके लिए।
ये इनका हाउस ऑफ हेल्थ है, ये इनका हाउस ऑफ वेलनेस है, ये इनका डेली रूटीन है, ये इनके कोर्ट केसेस है, ये इनके बेसिकली इनकी इनके कर्जे है, ये इनके एनिमीज है। तो बेसिकली यहाँ पर जब गुरु देखेंगे तो थोड़ा सा चैलेंज इन्हें फेस करना पड़ेगा रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज जुपिटर इज लुकिंग एट एनिमी हाउस। वैसे जुपिटर इज अ प्लैनेट जो हर एक जिनकी सारी दृष्टियों में अमृत होता है, तो यहां पर वो कोशिश करेंगे कि ये सब चीजों को नलिफाई करें इनकी लाइफ से, बट इन्हें डिजीजेस, खास करके जुपिटर की सबसे बड़ी डिजीज जो जुपिटर आपको देता है वो है डायबिटीज। जुपिटर डायबिटीज का कारक है, तो आपको शुगर से परहेज रखना है, आपको अपने लाइफस्टाइल पे परहेज रखना है, और ये ध्यान देना है कि आपको ऐसी कोई अगर बीमारियों का थोड़ी भी सिम्टम्स है तो अपना जल्द से जल्द चेकअप कराए और आपको इससे लाभ उठाए इस ट्रांजिट का। जी यहां से जुपिटर देख रहे हैं इनके 8th हाउस में, जो उन जुपिटर की स्वयं खुद की राशि है, जो है धनु राशि। रोहित जी, ये इतना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी जी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये घर है रिसर्च का, ये घर है मिस्ट्रीज का, ये घर है इनहेरिटेंस का, ये घर है अच्छा जी अपने ससुराल पक्ष का, ये घर से आप मैथमेटिशियंस बनते हैं, ये घर से आप एस्ट्रोलॉजिस्ट बनते हैं, ये घर से आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं, ये घर से आप साइंटिस्ट बनते हैं। तो आपकी ओके अगर अंदर ऐसे कोई टैलेंट है तो ये राइट टाइम है उन टैलेंट्स को बाहर निकालने का। डिग डीप इंटू योर सोल, इंटू योर बॉडी, इंटू योर माइंड, ये है मंत्र। डिग डीप, आप नई चीजों का विद्या ले, नया लैंग्वेज सीखे, नए स्किल्स सीखे, इससे आपकी लाइफ में एनहेंसमेंट होगी। जुपिटर इज कमिंग टू एनहेंस योर लाइफ, तो आप ओके के लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट रहने वाला है। रोहित जी, ओके जी बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया और बताया, और आपने सही कहा, गुरुदेव की जो दृष्टियां होती हैं उसमें हमेशा अमृत होता है और वो अमृत बरसने वाला है आपके लिए। और जैसे आकाश ने बताया कि नया घर, नई गाड़ी ऑन कार्ड्स है, 6th हाउस पे दृष्टि है, तो डेफिनेटली आपके कर्जे भी पुराने उतर जाएंगे। और 9th, 8th हाउस में दृष्टि है, तो डेफिनेटली आप हमारी तरह या एस्ट्रोलॉजी की राह पे भी चल सकते हैं। ये जी भी एक तरीका है, रिसर्चेज में जाने वाले आप। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आकाश। और मैं बहुत सारे कमेंट्स रोज पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लोग जिस तरह से आपका धन्यवाद कर रहे हैं और आप लोगों की ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर रहे हैं, लोगों का फ्री में हॉरोस्कोप देख के, और फ्री में इसे मैं कहूंगा सेवा कर रहे हैं आप। आपके जी मन की क्या है मुझे नहीं पता, ऐसा युग जब लोग एस्ट्रोलॉजी से लाखों करोड़ों बनाना चाहते हैं, आप अपना कीमती समय निकाल के उनको रोज बैठ के जवाब देते हो, उनका मार्गदर्शन करते हो, इसके लिए बहुत सब लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। तो जी, बस और मैं मुझे उम्मीद चाहता है हूँ कि कि आप, जी मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे लोग, अब पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अब वो आप नहीं कहेंगे क्योंकि आपका वो कहते हैं ना संत मन है, आप बोलोगे नहीं, मेरे से रहा नहीं जाता। आप एक परिवार से एक कुंडली तो भेजिए, अच्छा लगता है। आप 10-10 भेजेंगे तो आकाश जी क्या करेंगे, बाकी जो लाइन लगी है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड लोग तेहरान से, रशिया से, US से, कहाँ कहाँ से भेज रहे हैं, सबका देखना है इन्होंने। तो एक रिक्वेस्ट है कि बहुत जरूरी हो और एक ही भेजे जो सबसे जरूरी हो, ताकि ये देख सके उसको। जी आकाश जी, जी रोहित जी, चलिए, ये तो जिनकी किस्मत में मेरा, या तो मेरे भाग्य में जिनका कुछ अच्छा करना लिखा होगा, वो जरूर किसी ना किसी तरह से जुड़ेंगे। बट ऑन अ वे, मैं आप चाहता हूँ कि आप एक वो रेमेडी बताइए जी गुरु गुरु से। वालों के लिए रेमेडी, सबसे बढ़िया रेमेडी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पढ़ते जाए इस मंत्र को और ज्यादा पाते जाए गुरु से। गुरु सबको देने के लिए बैठे हैं, वो आपको भी देंगे, बहुत ज्यादा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है बहुत सारे वीडियोस आपको करने होते हैं, बहुत सारी रिसर्च आपको बैठ के करनी होती है, बहुत सारी कुंडलियां आपको बैठ के देखनी है, उसके लिए समय चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय भगवान हनुमान, जय श्री राम। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न वालों की, उनके लिए गुरुदेव का गोचर कैसा रहने वाला है, गुरुदेव उनके कहाँ आने वाले हैं, आप लोग जानना चाहेंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मिथुन लग्न वाले होते कौन है। आकाश जी का स्वागत करते हैं कैलगरी कनाडा से, जो आपको इस पूरे विषय पे जानकारी देंगे। आकाश जी नमस्कार। नमस्ते रोहित जी,
आई होप आप अच्छा कर रहे हैं। आशीर्वाद आपका। मेरा आशीर्वाद सिर्फ एक ही का। तो रोहित जी, हम बात करेंगे मिथुन लग्न की, यानी जेमिनाई। ये देखिए एक चार्ट जिससे आपको क्लियर इंडिकेशंस मिलेंगे कि कौन होते हैं मिथुन लग्न वाले। मिथुन लग्न वाले वो है जिनके लग्न भाव में, यानी फर्स्ट हाउस में, जो केंद्र का पहला घर है, उसके अंदर 3 लिखा होना चाहिए, 3 नंबर राशि। ये है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न का जो नेचुरल नेचुरल लॉर्ड है वो है मरकरी, ओके। एंड जुपिटर 22 अप्रैल 2023 से मिथुन लग्न के 11वें घर में गोचर करेंगे। जी यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप जी देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने कुछ डेट्स और कुछ टाइम लिखा है कि ये 6:12 AM पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ट्रांजिट करेंगे, लेकिन जब ये ट्रांजिट करेंगे तब ये कंबस्ट मोड पे रहेंगे क्योंकि सूर्य भी इनके साथ है। राइट और 27 अप्रैल से ये, वैसे तो गुरु मार्गी ही है ये, 27 अप्रैल से ये कंबस्ट मोड से हटके आपको प्रॉपर फ्रूट्स देना शुरू करेंगे। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है बहुत सारे क्लाइंट्स को, अगर मैं बता देता हूं कि 22 अप्रैल से जुपिटर ट्रांजिट होने वाला है, तो बोलेंगे 23 अप्रैल को फोन आ जाएगा कि गुरु जी कुछ हुआ नहीं। रुक जाइए, ट्रांजिट करेंगे, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है तो ये स्लोली ही रिजल्ट्स देंगे। सो आइए बात करते हैं कि किस तरह मिथुन लगन वालों के लिए जो ये प्लेसमेंट है गुरुदेव की, ये उन्हें क्या फल देने वाली है। सबसे पहली बात करेंगे हम कि जो गुरुदेव है, जो बृहस्पति है, वो इनके 11वें घर में गोचर करने वाले हैं। और जी 11वां घर, ऑनेस्टली जेमिनाई वाले बड़े एक्साइटेड भी होंगे कि वाह, उनके फाइनली 11वें घर में आ जाएंगे जुपिटर, और आके वहां पे इनको धन धन और यश से इनको भरपूर लाभ देंगे। राइट रोहित जी, अब ये लाभ भाव में जुपिटर का बैठने का अर्थ क्या है, मैं आपको बताता हूं। जी जुपिटर अपने आप में वेल्थ है, जुपिटर सोने का कारक है, गोल्ड का कारक जुपिटर है। जी और पराशरा जी ने बताया है कि धन, जो रियल धन है, वो जुपिटर है, जो ये हम नोट गिनते हैं, राइट, राइट वो नोट जुपिटर है। तो जुपिटर जब इनके 11वें घर में बैठेंगे तो जुपिटर यहां पे इनका धन एनहांस करेंगे, इनको जी प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे। जहां भी हाथ डालेंगे, हाथ लगाएंगे, वो चीज सोना बन जाएगी। अगर मट्टी उठाएंगे, मट्टी बेचना शुरू करेंगे, तो मट्टी की मट्टी बिक जाएगी इनकी सोने के भाव। सो यहाँ जी इनके लिए बहुत अच्छा गोचर है ये। जी यहाँ पे रोहित जी, सोशल सर्कल, फ्रेंड या वेल विशर्स यहाँ पे इनके बढ़ेंगे। रिलेशनशिप विद पॉलिटिशियंस, रिलेशनशिप विद आर्मी, रिलेशनशिप विद पुलिस, बिकॉज देखिए जुपिटर किसके घर में बैठे हैं, मंगल देव का। जी तो यहाँ पे ये सब भी हम इस घर से देखते हैं, ये सब में जुपिटर बढ़ोतरी करेंगे, जुपिटर इनको बहुत लाभदायक होंगे इनके लिए। जी इनके कर्म स्थान के मालिक भी जुपिटर ही है। अगर आप देखें तो इनके 10वें घर के मालिक जुपिटर है और अपने से 11वें जाके बैठ गए। तो यहाँ पे अपने से नेक्स्ट राशि में बैठने की वजह से ये 100% इनको करियर में भी ग्रोथ ही ग्रोथ देंगे। अब बात करते हैं जुपिटर की तीनों दृष्टियों के बारे में। जुपिटर की जो पहली दृष्टि है जी, वो पड़ रही है इनके थर्ड हाउस में, पराक्रम स्थान पे। जी बहुत अच्छा माना जाता है जुपिटर की दृष्टि यहां पड़ना, और खास करके वो घर में जो जुपिटर के प्रिय फ्रेंड यानी सूर्यदेव का हाउस है, राइट। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी फ्रूटफुल होगी, ब्रदर सिस्टर्स के साथ इनका बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर्स के बीच में
मतलब ब्रदर सिस्टर से अगर कुछ रूठ मन मुटाव है तो वो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अगर इनके नेबर्स, इनकी पड़ोसी है, वो इनके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करने में इनकी मदद करेंगे। यहाँ पे इनकी हैबिट्स, अगर इनकी बुरी आदतें हो गई है, जैसे शराब पीना, जैसे सिगरेट पीना, या और भी बहुत सारी बुरी, आजकल तो सोशल मीडिया पर पूरे दिन लगे रहना भी बुरी आदत है, तो इससे इनको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। यहाँ पे मेंटल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, कम्युनिकेशन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, और जो लोग मीडिया से कनेक्टेड है भाई, उनकी तो लाइफ बनने वाली है, उनकी लाइफ 100% बनने वाली है। मीडिया, टेलीविजन, ये रेडियो, इनकी इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है इनकी लाइफ में। तो यहां से जो थर्ड हाउस के रिजल्ट्स हैं वो बहुत 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 अच्छे होंगे। अब यहां से जुपिटर जो अपनी सेकंड दृष्टि डालेंगे, वो डालेंगे इनके फिफ्थ हाउस पे, जो है सेवेंथ नंबर राशि, यानी तुला राशि पे। रोहित जी, सिंस तुला राशि है, दैत्य गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, शुक्र की, और देव गुरु बृहस्पति यहाँ देखेंगे। मैं इन्हें एनिमी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ये सिर्फ इनका ओपिनियन डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही गुरु है, राइट? दोनों ही गुरु है, तो इनका मैं सिर्फ एनर्जी मानता हूं कि इनके आपस में बनती नहीं है, क्योंकि इनके विचार अलग है, वरना दोनों ही गुरु का उपाधि दोनों को हासिल है। तो यहाँ पे जो पांचवा घर है हमारा, पुत्र भाव, ये हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है, हाउस ऑफ प्लेफुलनेस, जॉय, यहाँ पे खुशी, यहाँ पे एंजॉयमेंट, रोमांस, यहाँ से शुरुआत होती है आपके एजुकेशन की, यहाँ से शुरुआत होती है आपके रोमांस की, यहाँ से शुरुआत होती है आपके गुड लक की, यहाँ से शुरुआत होती है आपके तपस्या की। ये तपस्या का भी घर माना गया है पांचवा घर। कुल देवता जो होते हैं हमारे, अगर हमें नहीं पता, तो पांचवे घर का जो लॉर्ड है उसका, वो जिस पांचवे घर का लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है शुक्र, तो शुक्र जिसकी पूजा करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दुर्गा माँ ही इनकी आत्मकार का, इनकी कुल देवती हुई, कुल देव देव हुई, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं काफी कंफ्यूज हूँ, बट हाँ, लॉर्ड शिवा भी, क्योंकि शुक्र जो भगवान है वो भगवान शिव को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं से पूरी शक्तियां पाते हैं। तो क्योंकि मेरा खुद एज ए मकर लग्न की कुंडली हाँ यहाँ जी, पर वृषभ राशि है, हाँ और जी, जितना मैंने एनालाइज किया और आपके साथ डिस्कस हुआ है, तो मेरा भगवान राम और भगवान शिव जी दोनों ही बनते हैं पूजनीय। जी तो यहाँ पे इससे कुल देवता भी देखा जाता है, कुल देवा या देवता या देवी, कि कौन है जिसे हम प्रे करेंगे तो तुरंत हमारी स्वीकार होगी, राइट? जब हम मेडिकल स्टोर जाते हैं तो हम बोलते हैं, भैया ये लो, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दवाई दे दो, वो तुरंत दे देता है। उसी तरह जब हम भगवान के परफेक्ट, हम किराने के स्टोर में जाके मांगेंगे अगर मेडिसिन, तो हमें मिलेगा नहीं, राइट? लेकिन हम मेडिकल स्टोर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। उसी तरह हम डायरेक्टली अपने कुल देवता के पास अगर जाते हैं, तो हमारा, जो बोलते हैं ना, जो बहुत सारे ब्रिजेस क्रॉस करने थे वो नहीं करके डायरेक्ट आप पहुंच गए। तो ये वो एक घर भी है। यहां से जुपिटर आपको फिफ्थ हाउस में सारे सुख, सब कुछ देंगे। यहां से मूव करेंगे हम सेवेंथ हाउस पे, जो है आपकी नौ नंबर, जो जुपिटर की खुद का घर है। अब यहां से हम सात नंबर राशि, सात नंबर में क्या देखते हैं सेवेंथ हाउस में? सेवेंथ हाउस हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स है, सेवेंथ हाउस हाउस ऑफ मैरिज। अगर रोहित जी, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, जिन लोगों को बहुत टाइम से कोई ना कोई बाधा आ रही थी, दुविधा आ रही थी, ये राइट टाइम है उनके लिए मैरिज की बंधन में बंधने का, ये राइट टाइम है उनके लिए पार्टनरशिप्स करने का, ये राइट, क्योंकि उन्हें पार्टनर्स भी जो मिलेंगे वो गुरु के आशीर्वाद से मिलेंगे, जो उन्हें गेन्स कराएंगे, क्योंकि गुरु बैठे हैं हाउस ऑफ गेन्स में और देख रहे हैं अपने ही घर को। ये है सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड्स। अगर जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं फॉरेन में, उनके लिए तो अब टाइम है कि भाई डाउन पेमेंट दे और घर ले ले। ये हाउस सेविंग्स का भी हाउस एक हिसाब से है, क्योंकि जब भी ये घर में जुपिटर देखते हैं, तो यहाँ पे आप मजबूर या नहीं मजबूर, यहाँ पे शुभ मंगल कार्य होते हैं, जैसे शादी होना, तो उसमें आप सोना खरीदते हैं, राइट? तो हाँ। सोना खरीदने का भी घर है ये। तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड के फॉर्म में करें, वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव सोना का कारक है और वो आपको बहुत लाभ देंगे इस चीज से। सो ये है रोहित ओवरऑल।
जुपिटर जी का ट्रांजिट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कहाँ पे किस तरह जुपिटर इनके कुंडली में प्लेस्ड है। जी एक मिनट में पानी पी लू, एक्चुअली मैं सॉरी। हाँ रोहित जी, बोल बोल के ना थोड़ा जी सा जी गला जी रुक गया, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो ये जुपिटर का बेसिक एनालिसिस है कि ये तीनों घरों में कैसी एनर्जीज है और वो क्या रिजल्ट्स देंगे। पर रोहित जी, ये और भी डिपेंड करता है कि जुपिटर आपकी कुंडली में किस जगह बैठे हैं, कैसी एनर्जी लेके और बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कौन कौन उन पे दृष्टियां डाल रहा है। सो उसके जी लिए आप जरूर हमें कमेंट करें और ट्राई टू कंसल्ट, ताकि हम आपको और जानकारी दे सके। जी जी रोहित जी, जी धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। मुझे सबसे जो दमदार बर्थ चार्ट मुझे लग रहा है मिथुन लग्न वालों का ही लग रहा है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से जो दृष्टियां आप आ रही हैं, देखिए फिफ्थ गुरु की अपना वो वहां पे माना जाता है कि दृष्टि शुभ बहुत होती है, बहुत शुभ। मतलब जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनको फर्स्ट बेबी होगा, सेकंड उनकी शादी वाली पे आ रही है, शादी हो जाएगी जो इतनी देर से रुकी हुई थी, सेकंड बेबी कर रहे थे वो हो जाएगा, फिर उसके बाद उनकी जो दृष्टि आ रही है वो आ रही है मेरे ख्याल 9th दृष्टि कहाँ पे आ रही है आकाश जी, नाइन्थ दृष्टि 7th हाउस पे आ रही है, एक थर्ड हाउस पे भी जा रही है जो पराक्रम थर्ड करता हाउस पे भी जा रही है। तो कुल मिला के इनकी तो पांचों उंगलियां घी में है और जबरदस्त रिजल्ट है। रहने वाला है, जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं मिथुन लगन वालों को, क्योंकि सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और आकाश जी की ये खासियत भी है कि वो विश विश रख लेते हैं अपने पास और आपको अमृत अमृत बताते हैं अच्छा अच्छा ताकि वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके मन में बने और वो चीजें फलीभूत हों। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगता है आपका एनालाइज करने का तरीका। और आप सब लोगों के लिए एक महामंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो आपके गुरुदेव को और बेहतर और अच्छा बनाएगा। गुरुवार के दिन आप केले के पौधे को जल भी दे सकते हैं, वो जी। भी लाभदायक रहेगा। और एक बात और रोहित जी, आ, आ, गुरु से रिलेटेड थोड़ा दान भी करें, पीले वस्त्रों का दान करें, पीले फूल शिव जी के आगे भगवान लगाएं, गणेश जी का के आगे लगाएं, तो इससे ना आपको थोड़ा फायदा होगा। और जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जो ये सब नहीं कर सकते, वो बस कुछ नहीं, बस एक चुटकी हल्दी लेकर अपने नहाने में पानी में डाल लें, उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा। बहुत बढ़िया, उत्तम अति उत्तम। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय है ज्यादा ना लेते हुए। सब लोगों की तरफ से भी धन्यवाद, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे आपसे अब एक नए लगन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं कर्क लगन वालों की, इनके लिए गुरुदेव का गोचर कैसा रहने वाला है। 22 अप्रैल को गुरुदेव गोचर करने वाले हैं, तो ये गोचर कर्क लगन वालों के लिए क्या खास लेके आने वाला है। इसलिए भी खास है क्योंकि कर्क लगन में आके गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन वो आ रहे हैं मेष में। तो चलिए आकाश चौहान का हम स्वागत करते हैं कैलगरी कनाडा से, जो पूरी प्रेजेंटेशन डीप एनालिसिस के बाद हमें मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि क्या होने वाला है। कर्क वाले इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या है इस पिटारे में। रोहित जी, पहली बात तो कर्क वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आपके लिए परफेक्ट परफेक्ट चीज होने वाली है जो जुपिटर आपके मेष राशि में आके गोचर करेंगे। इस राशि में, कर्क राशि में, अगर अगर आपके लगन में ही जुपिटर बैठे हो, या आपकी जुपिटर की दशा या महादशा चल रही है, तो आपकी तो बस किस्मत चमकने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एंड मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपने सुना ही नहीं होगा वैसा उपाय। क्या बात है, मुझे भी इंतजार है। और ऐसा उपाय है रोहित जी कि इससे समझो कि भले आपकी मेष राशि में बैठे हो जुपिटर, पर वो कर्क राशि में बैठ के उच्च का फल दे रहे वैसा रिजल्ट देंगे। तो इसको क्या कहते हैं बात प्लेसमेंट है, ऑफ चेंज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट। तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड वैदिक रेमेडी, वेयर आप प्लैनेट को उठा के, वो घर से उठा के सीधा चौथे घर में डाल दोगे, ताकि वो वहां के रिजल्ट दे। ये मैं क्या लास्ट में बात है, जरूर बताऊंगा आपको। जी, इंतजार रहेगा। तो ये देखिए कि आपका जो उच्च का ग्रह माना जाता है कर्क राशि के अंदर जुपिटर, वो बैठ रहा है आपके करियर के घर में, वो बैठ रहा है आपको एनहैंस करने के लिए। आपका 10th हाउस, वो आपको बनाने वाला है राजा, क्योंकि 10th हाउस में कर्म भाव में जब जुपिटर आके बैठेंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस,
आपकी करियर, आपका आपका फेम, आपका बिजनेस, आपके फादर की खुशी, आपका मतलब आपका कर्म वाला जो स्थान है उसमें समझो आग लगी होगी। आप बोलोगे कि यार बस ये तो मतलब ऐसा टाइम है ना कि मतलब मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी अचीव कर लूँ, वो भी अचीव कर लूँ। तो 10th हाउस में बैठ के जुपिटर आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देने वाले हैं। ये आपके लिए इतने अच्छे होंगे ना कि मतलब आप एक तो मेरी एक बात मैं आपको ध्यान से बताना चाहूंगा कि जुपिटर यहाँ पे 12 ईयर्स का साइकिल खत्म करके, पूरा साइकिल खत्म करके आए हैं। अगर आपकी उम्र 12, 24, 36 ये 12 के टेबल में है ना, तो दैट मीन्स आपके लिए तो ये 12 साल पहले भी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बस नए चाह में थे, नए राह में थे। बट यहाँ पे ये ना उसे एनहेंस कर देगा, क्योंकि अब आ गया है ऐसा युग, ऐसा टाइम, डिजिटल एज, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसे उपलब्ध है जिससे आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से आप एडवांस तरीके से अपने आप को बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस एनवायरनमेंट में आप शाइन कर सकते हैं। राइट, पहले हम हमें कुछ ढूंढना होता था, हम डिक्शनरी निकालते थे, हम ढूंढते थे, अच्छा ए लेटर है, यहाँ से ये वाला लेटर आएगा, अब हम गूगल करते हैं। सो 12 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, तो जुपिटर हैज कम हियर फॉर द गुड। आपकी तो मतलब बहुत अच्छा होगा आपके साथ। अब जुपिटर की 3 दृष्टियां होती है रोहित जी, जो मैं जी हर एसेंडेंट वालों को एक बार बता देता हूँ ताकि उन्हें पता रहे। जुपिटर की अपने से 5वीं, जुपिटर की अपने से 7वीं, और जुपिटर की अपने से 9th दृष्टि। एंड जो जी दृष्टियां जुपिटर की होती है उसको माना जाता है कि वो अमृत लेके आती है। उन दृष्टियां जहां भी डालेगी वो उस घर के अंदर के रिजल्ट्स को एनहेंस कर देगी। और देखो हर चीज कनेक्टेड है रोहित जी, हर चीज कनेक्टेड है। जुपिटर का 10th हाउस में बैठना और 10th हाउस से उसको देखना 2nd हाउस में, जो है मनी का घर, धन, कुटुंब एंड वाणी, वहां पे वो मनी एनहांस करेंगे। जुपिटर को वहां से 4th हाउस में देखना, वहां पे वो सुख स्थान माना जाता है, वहां पे वो सुख को एनहांस करेंगे, नई गाड़ियां देंगे, क्योंकि आप करियर में अच्छा करोगे आप पैसा बनाओगे, आपका पैसा जाएगा 2nd हाउस में आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट से वो जाएगा आपके 4th अकाउंट में, जो होगा आपका हाउस ऑफ कंफर्ट। एंड जो 3rd दृष्टि है वो जा रही है इनके 6th हाउस में, दैट इज डेली रूटीन। सो डेली रूटीन में आप रिचनेस की ओर बढ़ेंगे, डेली रूटीन में आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। आप बिजनेस कर, आपने बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, कोविड ने आपका बिजनेस 0 कर दिया, अब देखना आपका बिजनेस कहाँ जाता है। वंडरफुल 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 प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर फॉर कर्क लग्न। अब 2nd हाउस की थोड़ी डिटेल में अगर बात करें रोहित जी हम, तो 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस धन स्थान है। 2nd हाउस वो इनकम है जो आप ओन करते हैं, गोल्ड आपने खरीद के जो रखा है अपने लॉकर में वो 2nd हाउस है। बैंक के अंदर जो आपका पैसा पड़ा है वो 2nd हाउस है। राइट, आपकी गाड़ी जो आपने ऑलरेडी चौथे घर की वजह से खरीद के अपने पास आप पोजेशन में ले लिए वो 2nd हाउस है। आपके घर का फर्नीचर, आपका मोबाइल, जो भी चीज आपने अपने वेल्थ से खरीदी अपने कंफर्ट के लिए वो आपका 2nd हाउस है। 2nd हाउस है आपकी फैमिली, आपकी आपकी इमिडिएट फैमिली, आपकी बीवी बच्चे। राइट, आपको अपनी फैमिली को इस समय टाइम देना होगा, क्योंकि जुपिटर की जो ये दृष्टि है वो, और जुपिटर की प्लेसमेंट ये बताती है कि आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, अभी आप बड़े काम करेंगे, सो आपको अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो 2nd हाउस वंडरफुल रिजल्ट्स देने वाला है। अब मूव करते हैं हम अपने 4th हाउस पे, तो है सुख स्थान। क्या है इस घर का महत्व? ये घर है आपके, आपकी जड़ें, आप कहाँ बॉर्न हुए। अगर आप फॉरेन कंट्री में, तो आप वापस एक बार अपनी कंट्री में आके एक राउंड मार के जा भी सकते हैं। ये थोड़ा ट्रैवल का भी घर है बेसिकली, ये अपने घर में आपको खींचे खिंचाव डालेगा। आपको अगर फॉरेन कंट्री में, तो आपको बहुत याद आएगी अपने घर की, कि मैं अपने घर जाऊं, मैं अपनी माता से मिलूं। मातृस्थान है, माता का घर है। यहाँ पे रोहित जी नई गाड़ियां, नया घर अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फुलफिल होंगी। ये घर है सुख स्थान, डोमेस्टिक हैप्पीनेस आपके अंदर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करेगी इस टाइम पे। क्योंकि याद रखिए कि परम मित्र कौन है?
परम मित्र मून के जो एग्जॉल्ट हो जाते हैं यहां पे आके, वो है जुपिटर। रोहित जी, थर्ड दृष्टि इनकी जा रही है इनके सिक्स हाउस में, जो है 9 नंबर राशि यानी धनु राशि, जो है जुपिटर की खुद की राशि, और जुपिटर इस राशि में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि जुपिटर इस राशि में बैठ के आपका भाग्योदय करते हैं, राइट। 9th हाउस, हाउस ऑफ लक। जुपिटर 12वें घर में बहुत काम करते हैं, वो आपको मोक्ष की राह पे लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भाग्योदय करते हैं। तो जिन लोगों का 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, दैट इज आपके शत्रु, आपकी डिजीजेस, आपकी एनिमीज, आपके कोर्ट केसेस, आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आपकी बॉडी पार्ट में कोई दर्द, आपके लोअर स्पाइन में दर्द, आपके इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम, आपकी फिंगर्स में प्रॉब्लम, आपकी स्प्लीन में प्रॉब्लम, आपकी नाभि में प्रॉब्लम, आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, मतलब जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेल्थ, डिजीजेस, बड़ी डिजीजेस, छोटी डिजीजेस, ये 6th हाउस डिजीजेस को भी रूल करता है। यहाँ पे ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाले हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो आपकी चल रही है, राइट। रोहित जी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि शनि की भी दृष्टियां गुरु जहां बैठे हैं वहां पड़ रही है, वो नीच दृष्टि, यहाँ पे गुरु वो दृष्टि को भी बहुत अच्छा, बहुत नलिफाई कर देंगे वो दृष्टि को, क्योंकि जुपिटर जब आएंगे ना तो वो पावर लेंगे उस घर का, कंट्रोल लेंगे, तो वो शनि को बोलेंगे भाई यहाँ देख के ना ज्यादा स्ट्रेस मत दे मेरे लोगों को, राइट, थोड़ा सा कम। और शनि की एक और दृष्टि जा रही है सिंह लग्न, सिंह राशि पे। सॉरी रोहित जी, मैं जरा पानी पी लूं। हाँ, तो शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो जारी होगी सिंह राशि पे, और यहाँ पे जुपिटर की भी दृष्टि होगी, तो जुपिटर यहाँ पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स को नलिफाई करेंगे, ठीक है रोहित जी। तो ये एनालिसिस है फॉर जुपिटर, राइट। जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। और क्योंकि आपको 8-8, 10-10 घंटे दिन में बोलना होता है लगातार, तो डेफिनेटली पानी आपके पास होता है, ये एक अच्छी बेहतर बात है। और मैं आपको बता दूं कि आकाश जी और मैं, हम दोनों ही भले एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, हम दोनों ही मीडिया से संबंधित हैं। ये कनाडा में मीडिया पर्सन है और मैं यहाँ पे हूँ। और लेकिन हमारा शौक, हमारे संस्कार वो जो हैं, हमें इस तरफ लेके आए और हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरु की हम बात कर रहे थे और आकाश ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे कर्क लग्न वालों के लिए कहाँ कहाँ गुरुदेव अपना अमृत बरसाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपका। और एक रेमेडी जो आप अक्सर मुझे कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये आप जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि जहां आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है, 110% मिल जाएगा अगर आप इस मंत्र को जपते रहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए, प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। आकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि इतनी बिजी शेड्यूल में से, अब जबकि मैं भारत में इस वक्त 12:15 बजे, 12:30 बजे करीब बैठा हूँ और आपको 12 बजे आपके कैनेडा में है, पूरा दिन ऑफिस में लगाने के बाद, कंसल्टेशंस के बाद मिलने वाले लोग आते हैं आपसे, उसके बाद आप ये जो टाइम निकालते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे रोहित एक जी, नए। जी मैंने शुरू में कहा था कि मैं एक ऐसा उपाय देने वाला हूं कर्क ओ, आप लग्न वाले, इंतजार मैं कर रहे थे उस समय का। वो चाहता हूं वो उपाय देना, क्योंकि वो ऐसा उपाय है रोहित जी कि वो एक बार करने से गुरु की गोचर होने के बाद ही करे वो, और वो एक ही बार करे, और 22 अप्रैल वो के बाद 22 अप्रैल 2023 के बाद, और 22 अप्रैल को भी ना करे, 27 अप्रैल के बाद करे, जो भी पहला गुरुवार आता है उस टाइम। जी, बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन ऐसा उपाय है कि आपकी लाइफ बदल देगा। आपको लेना है सुच्चा दही, जमाया हुआ घर का दही, उसके अंदर डालना है 2 चुटकी हल्दी राइट। और 1 चुटकी केसर, और उसको मिला लेना है अच्छे से, राइट। और आपको स्नान करना है उस पेस्ट, जब वो पेस्ट बन जाए तो उसको बेसिकली आपको अपने माथे पर, सर पर लगाना है, माथे पर, सर पर, हाथों पर, जैसे मेहंदी नहीं लगती, हाथ हाँ पीले राइट करने राइट हैं, बेसिकली आपको अपने हाथ और अपने मुंह पीले करने हैं,
उसको बदन पे लगाइए हर जगह, और आप उसके बाद उसका स्नान करिए। गुरु और जब गुरु और चंद्र की युति हो जाएगी उसके बाद तो आप सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको फिर इस ट्रांस। क्या बात है। इस दौरान मतलब वो पेस्ट लगाना है, नहाना है, पर हमने साबुन नहीं यूज करना उस दौरान? नहीं 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 नहीं, उससे पेस्ट से नहाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप साबुन एक दिन यूज करेंगे। और हल्दी थोड़ी कम डालना, क्योंकि मैंने एक किसी से उपाय करवाया था ये आज से बहुत साल पहले, उसने 2 चम्मच हल्दी डाली, बोली ये तो निकल ही नहीं रहा है बदन से। मैंने बोला कि होली थोड़ी ना खेलनी थी हमें, तो ये चुटकी डालनी थी, तो ये था ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका, और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, अब सिंह लगन वालों के लिए जब आप बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, आप भी आकाश जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी एस्ट्रो, और आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन वालों की, इंतजार कर रहे थे कि उनके लिए गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है, ये बताने के लिए हमारे साथ कैलगरी कनाडा से जुड़ेंगे आकाश चौहान। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप खुद भी सिंह लगन वाले हैं, तो बता दीजिए आज कैसा रहने वाला है ये गोचर आपके लिए भी। जी, तो ये देखिए सिंह लगन वालों की ट्रांजिट चार्ट। गुरु सिंह लगन वालों के भाग्य स्थान में गोचर करने वाले जी, एंड इससे सबसे अच्छी बात जो सिंह लगन वालों के लिए होगी वो ये है कि भाग्यस्थान में गोचर जहां गुरु कर रहे हैं वहां नेचुरली काल पुरुष की कुंडली में वहां गुरु की एनर्जी ऑलरेडी मेंटेन्ड है, ऑलरेडी वहीं से गुरु की एनर्जी को देखा जाता है। सो दिस इज द टाइम जब आप बेसिकली अच्छे कर्म की ओर बढ़ेंगे, यू विल स्टार्ट डूइंग गुड कर्मास, you will start becoming religious, you will start becoming ethical, आप higher learnings की तरफ थोड़ा सा नई नई दिशा में जाने वाले, maybe you can learn a new language, new subject, कुछ हट के करेंगे धर्म से related। ये घर luck का घर भी माना जाता है कि यहां से luck देखा जाता है, तो आपका लक आपको 100% आपके हित में होगा। उसके साथ साथ ही हायर लर्निंग्स और डिस्कवरी ऑफ अ गुरु, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई गुरु आए जो आपको गाइड करे या मेंटोर, पुराने जमाने में तो चलो गुरु ही मिलते थे, अब तो मेंटोर्स हो गए कि जिसे हम देख के बोले कि या वी लुक अप टू हिम, लुक अप टू हिम कि इसकी तरह हमें बनना है या इसकी तरह हमें इससे हमें कुछ सीखना है। सो गुरु का ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है। मैंने भी कई वीडियोस देखी, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जब सिंह लगन में ये थर्ड हाउस में देखेंगे राइट, तो वहां पे शुक्र की राशि है, लेकिन एक आर्टिकल पढ़ते वक्त, एक रिसर्च करते वक्त मुझे बहुत अच्छा एक ज्ञान की चीज मिली कि गुरु जहां बैठते हैं वहां वो बहुत ओके रिजल्ट्स देते हैं राइट, जहां मतलब वो ओके से रिजल्ट्स देते हैं, लाइक खराब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए गुरु को माना ही गया नहीं कि कभी खराब करेंगे, वहां ओके रिजल्ट देते, लेकिन जहां वो दृष्टि डालेंगे वहां तो वो अमृत बरसाएंगे। सो जो फिफ्थ हाउस, ये 5 नंबर वालों लगन की बात करें तो उसमें गुरु उनके 3 घरों में दृष्टि डालने वाले, जो 5th दृष्टि होगी गुरु की वो पड़ेगी इनके लगन पे, दैट मीन्स इनके एसेंडेंट पे, और ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज गुरु यहाँ पर आके वो वाले हाउस को एक्सपेंशन करेंगे, वो हाउस का एक्सपेंड करेंगे, वहां की चीजों को, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपका फिजिकल अपीरियंस, अगर आप मोटे हो गए, अगर आप बहुत पतले हैं तो यहाँ पे वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगा आपका फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि जुपिटर फैट भी रूल करते हैं, तो फर्स्ट हाउस में देखकर बेसिकली फैट बर्निंग का काम करेंगे, और जिन्हें फैट की जरूरत है उन्हें फैट देंगे। सो उसके साथ साथ ये आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी आपको एक बहुत लाइवली और बहुत लाइकेबल पर्सन बनाने के लिए काम करेंगे। देखिए अब एक चीज और देखेंगे हम, तो जो 9th हाउस है वो धर्म का घर है,
और धर्म, जब आदमी धार्मिक हो जाता है, जब स्पिरिचुअल हो जाता है, तो उसकी चेहरे पर एक अलग सी तेज आ जाती है, उसका चेहरा ग्लो करने लगता है, उसकी हर उसका रोम रोम चीखता है कि तेरे अंदर कुछ तो खास है। सो यही काम गुरु करने वाले हैं अपने फर्स्ट हाउस में देखकर। इनका करेज बढ़ेगा, इनकी वाइटैलिटी बढ़ेगी, इनकी जनरल हेल्थ, इनका ब्रेन रिलैक्स रहेगा इस टाइम पे। क्योंकि एक और ध्यान देने की बात है कि शनि की भी यहां दृष्टि पड़ रही है इस समय, बिकॉज शनि ने भी गोचर किया है कुंभ राशि में, और वहां से वो देख रहे हैं डायरेक्टली अपनी सेकंड दृष्टि से लगन को। तो सिंह लगन वालों के लिए जो थोड़ी सी स्ट्रेस शनिदेव अगर उनको अपने फर्स्ट हाउस में दे रहे थे, जो थोड़ा सा लेजीनेस दे रहे थे, वो सब अब गायब हो जाएगी। अचानक से आप एकदम एक्टिव मोड में आ जाएंगे। जो सेकंड दृष्टि है गुरुदेव की, वो पड़ रही है इनके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ करेज, द हाउस ऑफ पराक्रम, द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, बट द हाउस ऑफ क्या बोलेंगे, टेकिंग क्रिएटिविटी वन स्टेप फर्दर। फिफ्थ हाउस को माना जाता है हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, बट यहाँ ये वो क्रिएटिविटी को एक स्टेप आगे लेके जाने की बात हुई, या टू इनिशिएट थिंग्स, टू स्टार्ट थिंग्स। तो यहाँ पे छोटे भाई बहन, अगर उनके साथ संबंधों में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, या कोई भी उन तकलीफ आप मान के चल रहे थे उनके साथ, या वो कोई प्रॉब्लम में थे, सो आपको यहाँ पे बहुत फायदा मिलने वाला है। आपका नेबर्स आपके लिए कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जो आपके लिए लाइफ सेविंग होगा, ऐसा कोई काम। सो इसका भी आप, ये भी आपको देखना है कि यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट और बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मीडिया में, टेलीविजन में, रेडियो, राइटिंग, एडिटिंग, या बुक लिखना, पब्लिशिंग, इनके लिए ये साल, जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स लेके आएंगे। उसका रीजन है कि ये जुपिटर इससे इस रीजन को एनहैंस करेंगे। आप देख सकेंगे नए न्यूज़पेपर्स, नए मोड ऑफ मीडिया, नए मोड ऑफ एप्स वगैरह काफी हद तक डेवलप होंगी, जिससे ये जुपिटर का जो ये एस्पेक्ट है वो इसे सपोर्ट करेगा। एंड थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो जुपिटर देख रहे हैं इनके फिफ्थ भाव में, जो इनका पुत्र भाव हो, जिसको हाउस ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है, एक्चुअल हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। ये हाउस बताता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, और ये हाउस ये बताता है कि आप, आपके लाइफ में प्लेजर कैसे, आप उस प्लेजर को बेसिकली उस प्लेजर कर पाएंगे, लाइक खुशी अपनी कैसे जी पाएंगे, ये उसका घर है। तो ये घर के अंदर जब गुरुदेव देखेंगे अपनी ही राशि में, तो यहाँ जो एनर्जी होगी गुरुदेव की, वो अनएक्सपेक्टेडली अमेजिंग एनर्जी होगी। गुरुदेव यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपका प्लेफुलनेस, आपका जॉय, आपका प्लेजर, आपका रोमांस, इनफैक्ट आपकी एनर्जी को एक ऐसी एनर्जी बना देंगे कि लोग चाहेंगे कि आपके साथ ही घूमे, आपके साथ उठे, आपके साथ बैठे। यहाँ गुड लक, नई लर्निंग्स, बिकॉज आपको गुरु मिलेंगे नए, तो आप नई चीजें सीखोगे, या कोई मेंटोर होगा जिससे आप नई चीजें सीखोगे, या कोई किताब हो जाएगी जो आपके मेंटोर बन जाएगी, जो आपको नई चीजें सिखाएगी। सो ओवरऑल 5 नंबर लगन वालों के लिए, लियो लगन वालों के लिए, ये जुपिटर का ट्रांजिट अमेजिंग से भी अमेजिंग है। सो आई होप रोहित जी, आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ट्रांजिट है ये, और किस तरह से इनके लिए बेनिफिट कर रहा है। सही बात, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिट। और सबसे बड़ी बात है, सीधा आपके लगन पे दृष्टि, बहुत सारा ज्ञान, और छोटे भाइयों से, अपने सिबलिंग से एक अच्छा कनेक्ट, और बहुत, मतलब बहुत कुछ देने आ रहे हैं गुरुदेव सिंह लगन वालों के लिए। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, और हम चाहेंगे कि आप फटाफट से सारे लगन अगर कर दें, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं, कमेंट करते हैं, पूछते हैं, तो हम जी कोशिश करेंगे कि कन्या लगन जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय जय हनुमान।
नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं एसी एस्ट्रो और आज हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न वालों के लिए गुरुदेव का जो गोचर होने वाला है 22 अप्रैल 2023 को कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। और वेलकम करते हैं आकाश चौहान का कैलगरी कनाडा से, वो बताएंगे हमें। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते रोहित जी। वर्गो लगन वालों के लिए यानी कन्या लगन वालों के लिए ये गोचर बहुत शुभ होने वाला है। मैंने ये छोटा सा चार्ट इनके लिए रेडी किया है। तो रोहित जी, हम देख रहे हैं कि वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए 8th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है। अब 8th हाउस की एनर्जी को अगर हम देखें तो 8th हाउस को कहा जाता है आयुस्थान। तो जो लोग थोड़ी प्रॉब्लम में है हेल्थ वाइज, जिन लोगों को लग रहा था कि ये तो डिजीज इनक्योरेबल है या यहाँ मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, उनके लिए तो ये बहुत परफेक्ट टाइम है, उनके लिए बहुत छुटकारे वाला टाइम है। जिन लोगों के फैमिली में कोर्ट केस वगैरह चल रहे थे रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू गेन्स, प्रॉपर्टी गेन्स फ्रॉम इन लॉज, उनके लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। क्योंकि 8th हाउस में जब जुपिटर बैठते हैं और वो भी खास करके मेष राशि में, तो यहाँ पर वो इंसान को ये सब चीजों का तुरंत फायदा दिलाते हैं। दैट इज भूमि, वाहन, जो भी ये रिलेटेड अगर आपके फैमिली में इनहेरिटेंस है, क्योंकि ये है मंगल की राशि और मंगल रूल्स भूमि, वाहन एक्सेट्रा, तो यहाँ पे आपको वो फायदा भी मिलेगा। उसके साथ साथ रोहित जी, अगर हम बात करें तो क्रॉनिक इलनेस से बहुत छुटकारा। जो लैक ऑफ मेंटल पीस थी बहुत टाइम से, क्योंकि शनि देव की भी यहाँ नीच की दृष्टि थी और राहु देव यहाँ ऑलरेडी विराजमान है, तो यहाँ पे उनको भी बहुत रिलीफ मिलेगी। इनफैक्ट राहु जी अभी थोड़े दिन में ही विल बी ट्रांजिटिंग टू द 7th हाउस, वो पीछे की तरफ ट्रांजिट करते हैं, हमेशा पीछे की तरफ रेट्रोग्रेड ही चलते हैं वो। So, यहाँ पे उसके लिए भी हम वीडियोस बनाएंगे। बट या राइट नाउ हम ध्यान दें 8th हाउस में जो जुपिटर यहाँ वर्गो वालों के लिए गोचर कर रहे हैं वो बहुत बहुत शुभ होगा। बेसिकली बहुत सारे वर्गो एसेंडेंट्स इस टाइम पर जो ट्यूनिंग भी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख भी रहे हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि राइट नाउ दिस इज द टाइम ऑफ डीप रिसर्च, दिस इज द टाइम रोहित जी जब ये रिसर्च की फील्ड में आगे जाएंगे, नई किताबें उठाएंगे, दे विल ट्राई एंड रीड न्यू बुक्स, दे विल ट्राई एंड लर्न न्यू लैंग्वेजेस, दे विल ट्राई एंड ट्रैवल टू कंट्रीज। इसके बारे में मैं आऊंगा क्योंकि जुपिटर की तीसरी दृष्टि के 12वें घर में जा रही है, तो इनको खर्चा होगा इस घर से रिलेटेड। दैट इज क्या ये किसी टीचर को हायर करके ये नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई बुक सीख सकते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन लेंगे आप बुक्स की एक्सेट्रा। और अगर आपने ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि जुपिटर आई थिंक आपको इफेक्ट थोड़ी देर पहले ही देना शुरू कर देता है, सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, वो हमारे रिसर्च पेस के लिए बहुत काम होगा। और एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स, ये सब में आपकी रुचि बढ़ेगी क्योंकि जुपिटर है 8th हाउस में। व्हाट इज द 8th हाउस? 8th हाउस है पाताल लोक, 8th हाउस है डीप नॉलेज, 8th हाउस है रिसर्च, 8th हाउस है माइनिंग, 8th हाउस है जमीन के अंदर जो चीजें हैं वो। और खास करके यहाँ तो वो राशि भी मंगल की है जो जमीन ही माना जाता है। सो बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी ट्रांजिट है ये आपके लिए। यहां से जुपिटर देख रहे हैं 3 दृष्टियों पे, आपके 4th हाउस पे, आपके 2nd हाउस पे और आपके 12th हाउस पे। तो फोर्थ तो जो सबसे पहली दृष्टि की बात करेंगे जो आपके 12th हाउस पे पड़ेगी, जो है लियो में, बहुत बहुत अच्छी दृष्टि है। ये जुपिटर का पक्का घर माना जाता है काल पुरुष की कुंडली में, और ये हाउस ऑफ डिटैचमेंट्स माना जाता है, ये हाउस ऑफ लॉसेस माना जाता है। अब हमने हाउस ऑफ लॉसेस को इस तरह ही मान लिया कि हमें सिर्फ पैसे का ही लॉस होगा, पर बात वो नहीं है। हमें बहुत तरह के लॉस होते हैं, हमें कभी किसी की फैमिली मेंबर जाने का लॉस हो जाता है, हमें कहीं टाइम से ना पहुंच के अपॉर्चुनिटी का लॉस हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान देना है कि हमें लॉस ना हो। और जुपिटर की वैसे ही एनर्जी अपने फ्रेंडली साइन पे जा रही है, तो ये आपको लॉस नहीं है, आपको प्रॉफिट ही दिलाने वाला है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होने वाला है, राइट? ये सेल्फ अनडूइंग का घर है, तो अगर आप कुछ गलत कामों में थे, जैसे आप शराब, सिगरेट, ऐसे कोई चीज का सेवन कर रहे थे, तो ये टाइम है उसको अनडू करने का, ये टाइम है उससे बाहर निकलने का, ये टाइम है पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि आपकी 4th हाउस पे भी एक दृष्टि है जुपिटर की। ये टाइम है सीक्रेट्स खुलने का,
ये टाइम है, अगर आपके कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, कोई सीक्रेट्स आपसे छुपा रहा है, तो ये टाइम है वो टाइम। दूसरी बात, 12वें घर को आइसोलेशन का भी घर माना जाता है, यहाँ अकेलेपन का घर। सो बेसिकली इस टाइम पे द बेस्ट बेस्ट टाइम बेस्ट थिंग फॉर यू विल बी दैट आपको अकेलेपन में ही सुख मिलेगा। आप सोचेंगे अरे बहुत हो गया, पूरा वीक काम कर लिया, चलो फ्राइडे शाम को ही निकल जाते हैं जंगलों की तरफ, मंडे को वापस आएंगे। सो यू विल बी इन टू द डीप ट्रांजिट स्टेट। हाँ मैं कहीं ना अकेले रहूँ, बस बस अकेला छोड़ दो मुझे, बस मुझे अकेला, मैं आई वॉन्ट टू थिंक, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू लर्न अ न्यू थिंग, मुझे छोड़ दो, मुझे लिखना है कुछ। सो हियर यू विल गो इन टू मोर आइसोलेशन, काइंड ऑफ आइसोलेशन एरिया में जाएंगे आप। एंड यहां से जुपिटर जो सेकेंड दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके धन स्थान पे डाल रहे हैं, दैट इज योर सेकेंड हाउस। एंड वॉट इज योर सेकेंड हाउस? योर सेकेंड हाउस इज योर पोजेशन, हाउस ऑफ पोजेशन, हाउस आपकी आपकी एसेट्स का घर है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स का घर है, नॉन मटेरियल थिंग्स का भी घर है ये। और ये हाउस पे जुपिटर की जो दृष्टि जा रही है वो जा रही है तुला राशि पे, और जुपिटर इज नॉट अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ वीनस। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि हम धन, कुटुंब और वाणी, लाइक अपनी कम्युनिकेशन पे, हम अपने पैसों पे और अपनी फैमिली पे 100% ध्यान दे, अननेसेसरी और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। जुपिटर तो आपको 100% प्रोटेक्ट करेंगे, बट कभी कभी हम ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो हमें वो सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है। हमें टेक केयर और बी श्योर रहना है कि हम घर, पैसों के मामले में और अपने एसेट्स के मामले में, हम सोचेंगे अरे गोल्ड, हाँ चलो यार थोड़ा पैसा चाहिए, गोल्ड बेच देते। नो नो नो, दिस इज द टाइम यू हैव टू मेक गोल्ड, आपको बनाना है गोल्ड, आपको बेचना नहीं है कुछ। सो जस्ट मेक श्योर कि वैसे तो ये हाउस में वो अच्छे रिजल्ट ही देंगे आपको, बट वी हैव टू स्टिल बी केयरफुल कि हम यहाँ पे अच्छे से आगे बढ़े। रोहित जी, अब मैं आप बताऊंगा चौथे घर के बारे में, जो जहां पे जुपिटर की दृष्टि जो पड़ रही है, ये सबसे अमृत दृष्टि मानी जाएगी इनकी, क्योंकि ये अपने ही स्वयं घर पे पड़ रहे हैं। और वर्गो वालों को ये बात भी बता दूं कि ईश्वर ने, लॉर्ड शिवा ने, लॉर्ड ब्रह्मा ने, लॉर्ड विष्णु ने आपको जो आपकी जब ये कुंडली डिजाइन की थी, तो जो फोर्थ हाउस है सुख का घर, वो जुपिटर को ही दिया था। तो बेसिकली विवाहिक जीवन में सुख, पार्टनरशिप्स में सुख, और आपकी होम होमलैंड में सुख, आपकी मदर का सुख, आपका सब कुछ डिपेंड करता है जुपिटर पर, क्योंकि वो इन दोनों घरों को रूल करता है। यहाँ पर जुपिटर की जो ये दृष्टि है वो आपके लिए कमाल दृष्टि है। धरती से रिलेटेड समस्या, लैंड से रिलेटेड समस्या, रियल एस्टेट से रिलेटेड समस्या, आपकी गाड़ियों से रिलेटेड समस्या, आपको घर लेने की नहीं, घर लेने का नया योग बन रहा है, आपकी गाड़ी लेने का नया योग बन रहा है, आपके माता के साथ आप टाइम स्पेंड करने का ज्यादा योग बन रहा है, आपकी माता को कहीं बाहर घुमाने, लाइक पिलग्रिमेज पे लेके जाने के लिए, कोई तीर्थ यात्रा पे लेके जाने का योग बन रहा है। अगर वो नहीं होता तो हम अपनी माता को बस मंदिर ले जाइए, चर्च ले जाइए, मस्जिद ले जाइए, जो भी धर्म हो, हमारे लिए प्लैनेट सब एक ही तरह से काम करते हैं, और हमारे लिए सबके लिए प्लैनेट्स का सारे का महत्व एक ही है। प्लैनेट से ना धर्म का लेना देना है, ना किसी और चीज का। आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप कोई भी रिलीजन हो, प्लैनेट्स अपने काम बहुत मिस्टीरियसली और बस सबके लिए सेम करते हैं। डिपेंड करते हैं कि आपकी कुंडली में जुपिटर नेचुरली कहाँ प्लेस्ड है, और क्या आपकी जुपिटर की दशा और अंतरदशा चल रही है। अगर ऐसा कुछ है तो ये आपके लिए 100% इफेक्टिव रहेगा ये वाला गोचर, और अगर नहीं है तो प्रात्यंतर दशा में या अंतरदशा में अगर जुपिटर आते हैं तो आपके लिए वो 75 और 25%, प्रात्यंतर के लिए 25% के रियल रिजल्ट्स लाएगा आपके लिए। कोई कोई चीज आपकी अचानक से सुख आपकी लाइफ में आ जाएगा अगर प्रात्यंतर में जुपिटर आ गए या अंतरदशा में जुपिटर आ गए। तो इट डिपेंड्स, राइट? जैसे हम कहते हैं कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है और एक सिटी का चीफ मिनिस्टर होता है, तो आपकी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है मर्करी और आपकी कुंडली का चीफ मिनिस्टर है जुपिटर। तो अगर इन दोनों का राज चल रहा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला टाइम आप देख सकते हैं। तो रोहित जी, ये था एनालिसिस फॉर वर्गो एसेंडेंट, यानी। और एक बात मुझे बतानी थी रोहित जी बिफोर आई मूव दिस चार्ट, कि आप देखिए कितना ब्यूटीफुली प्लेस्ड है, कि अगर आपके स्पाउस और आपके इसमें भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वहां भी जुपिटर की एनर्जी मौजूद है, वो जुपिटर का ही घर है, तो जुपिटर यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट देंगे।
जी रोहित जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने कन्या लग्न बारों के बारे में बताया है और मुझे उम्मीद है कि सब संतुष्ट भी होंगे। आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े सुंदर तरीके से और गुड वर्ड्स के साथ आप बताते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद है। मिलेंगे आपसे एक नए लगन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और अब हम बात करने वाले हैं आज तुला लगन वालों के लिए। इंतजार आपका खत्म है, गुरु का ये गोचर जो 22 अप्रैल 2023 को होने वाला है आपके लिए कैसा रहने वाला है बताएंगे आपको आकाश चौहान कैलगरी कनाडा से, उनका स्वागत करते हैं। आकाश बहुत बहुत स्वागत है आपका और जरा मार्गदर्शन करें तुला लगन वालों का। तुला लगन वालों, बिफोर वॉचिंग द ऑल द होल वीडियो ये सुन लो कि आपकी किस्मत खुल गई, क्योंकि जिसके गुरु सातवें घर में आके बैठ गए उनकी किस्मत खुल जाती है भाई, क्योंकि उनकी बीवी से बनने लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए तुला लगन सातवें घर में आके जुपिटर बैठेंगे और बहुत अच्छी दृष्टियों के साथ तीनों घर को देखेंगे। रोहित जी, जुपिटर यहाँ बैठकर इनको वंडरफुल बेनिफिट्स देने वाले, वंडरफुल मतलब वंडरफुल, क्योंकि ये सेवेंथ हाउस में आ गए, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में युवती भाव, कलत्र भाव या जय भाव भी बोला जाता है। एंड मोस्टली सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस इस घर का मैरिज से रिलेटेड होता है। ये और भी बहुत सारी चीजें को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अपना बिजनेस, आपका ट्रेड, आपके बिजनेस पार्टनर्स। इनफैक्ट अगर हम प्राइवेट फॉर्म में हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसे भी ये रूल करता है ये हाउस। सो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वहां उनको यहाँ पे फायदा होने वाला है। ये हमारे लिए रिप्रेजेंट करते हैं मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ के पहले की लाइफ, जहां जो जिसे हम कहते हैं राइट एज ऑफ मैरिज, कि क्या आप मैरिज के लिए तैयार हो कि नहीं हो, ये उसे भी रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर यहाँ पर जब मंगल की राशि में बैठे हो तो ये मांगलिक कार्यों में आपकी 100% हेल्प करेंगे। ये डिजायर्स एंड डिस्प्यूट्स का भी घर है, इसीलिए यहां से पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं, यहाँ पे वाइफ के साथ रिलेशनशिप देखी जाती है। ये आठवें से बारहवां घर है, तो ये डेथ का भी घर है। अगर किसी की डेथ हमें पता करना है तो हम इस घर से पता करते हैं कि ये किस तरह की, उसकी क्या सिचुएशन में और क्या परिस्थितियों में उसकी डेथ होने के संभावना है। इनफैक्ट सेवेंथ हाउस इज द हाउस जहां फॉरेन लैंड्स में जाकर आप अपना घर बनाते हैं। फॉरेन लैंड में ट्रेवल करने के लिए ट्वेल्थ हाउस और नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए। फोर्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को ये बताता है कि क्या आप फॉरेन लैंड में सेटल हो सकते हैं कि नहीं, और सातवां घर ये बताता है कि क्या आपका वहां रेसिडेंस होगा, क्या आप अपना खुद का घर खरीद पाएंगे। तो ये सेवेंथ हाउस की कुछ क्वालिटीज है जो जुपिटर इस बार ट्रांजिट करते हुए लीब्रा एसेंडेंट वालों को बहुत उसमें बेनिफिट्स देंगे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लीब्रा एसेंडेंट भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब ये कुंडली का निर्माण किया या जब ये कुंडली या जब ये चार्ट बनाया, तो उन्होंने जुपिटर को दो घर दे दिए, एक अत्यंत मेहनत का घर दैट इज द थर्ड हाउस, और एक घर जो है एनिमीज का घर यानी सिक्स्थ हाउस, शत्रु स्थान। अब जुपिटर जो शुक्रदेव है उनके ना तो मित्र है ना दुश्मन है, पर इन दोनों, ये दोनों गुरु होने की वजह से, देव गुरु और एक दानव को गुरु, तो इनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सारी चीजों पर विचार मिलते नहीं है इनके। सो इसमें हमें केयरफुल होने की जरूरत है कि जुपिटर यहाँ बैठकर सेवेंथ हाउस में से जो दृष्टियां डालेंगे, वैसे तो कहा जाता है कि गुरु की दृष्टियों में अमृत है, लेकिन जब वो एक सो कॉल्ड एनिमी के घर पे या सो कॉल्ड जिससे उसकी नहीं बनती उसके घर पे जब दृष्टि डालेंगे, तो वहां वो थोड़ी सी आपको चैलेंजेस दे सकते हैं। अब बात करते हैं जुपिटर की जो पहली दृष्टि पड़ने वाली है, और वो पड़ने वाली है आपके लाभ भाव पे जो है इलेवेंथ हाउस, राइट। इलेवेंथ हाउस है गेन्स का घर, ये गुड न्यूज का घर है, और जुपिटर यहां पर दृष्टि डाल के आपको दे रहे हैं गुड न्यूज। ये पैसों का घर है, ये बड़े भाई बहनों का घर है, राइट।
ये घर है जहां से आपको ये पता चलता है कि क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी। एरोप्लेन में बैठ के सफर करने का जो आनंद है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपको ये घर दिलाता है, 11th हाउस। एंटरटेनमेंट, आप मूवीज देखना, कैसे टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं, कैसे टाइप के आप रेस्टोरेंट्स जाना पसंद करते हैं, कैसे टाइप की आपको चीजों में इंटरेस्ट है, ये बताता है आपका 11th हाउस। ये आपकी बहू और जवाई का भी घर है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बताएंगे नहीं, पर जो 11th हाउस है, ये है आपकी बहू और जवाई का घर। यहां से आप देखते हैं कि आपकी, जब आपकी पुत्र या पुत्री की शादी होगी, तो आपकी बहू कैसे आएगी, आपकी डॉटर इन लॉ कैसी आएगी। ये वो, क्या आपको सुख मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमी प्लैनेट है जो जो हमें, मुझे दुख दे सकता है इस वाले क्षेत्र से। ये सोशल लाइफ का घर है, इमोशनल अटैचमेंट्स का घर है। ये ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा घर माना जाता है। ये छोटी बीमारियों का भी घर माना जाता है। सो यू नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर कि यहाँ पे ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। पर 7 नंबर वाले यानी तुला लगन वालों को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये है उनके परम मित्र का घर, तो यहाँ पर वो ये सब चीजें, घर के जो अच्छी चीजें हैं उसको एनहैंस ही करेंगे। ये घर में जब दृष्टि डालेंगे तो पावर ऑफ ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी आपको पावर देंगे कि आप कोई भी कठिन सिचुएशन से बाहर निकल जाए। सो इन अ वे, जो ये ट्रांजिट है जुपिटर का, इट इज गोना बी वेरी वेरी गुड फॉर लीब्रा एसेंडेंट्स। एक और बात जो मैं आपको बताऊं, मैंने बताया नहीं कि 7th हाउस में बैठ के, अगर यू आर राइट एज ऑफ मैरिज, तो आपकी शादी भी करवाएंगे। इफ यू आर विलिंग टू गेट मैरिड और आपको कोई लड़का लड़की नहीं मिल रही, तो यहाँ पे टाइम आ गया है, समझ लीजिए कि आपको, यू विल फाइंड योर लाइफ पार्टनर नाउ। एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स में अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, या यू वांट टू एंटर इनटू अ न्यू पार्टनरशिप, तो हियर इज द राइट टाइम दैट यू शुड एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, बिकॉज जुपिटर बीइंग अ पायस, एक एक ऐसा ग्रह जो बहुत शुभ है, वो यहाँ पे शुभ, यहाँ पे मंगल कार्यों को बढ़ाएगा। हमने जुपिटर की पहली दृष्टि के बारे में बात करी जो आपके 11th हाउस में, अब हम सेकंड दृष्टि की बात करेंगे जो आपके 1st हाउस में है। ये आपका 1st हाउस क्या है? ये आपका 1st हाउस आपकी आत्मा है, आपका ब्रेन है, आपकी सोल, आपका अंदर अंतरात्मा, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर और आपका लाइफस्टाइल, कि किस तरह से आप अपना कैरेक्टर डेवलप करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, ये सारा आपका 1st हाउस से। आपको नौकरों का सुख मिलेगा, नौकर चाकर होंगे आपके, आपकी ईगो कैसी होगी, आपके पास आपके ग्रैंड मदर से या ग्रैंड फादर से वेल्थ कैसे आएगा, ये सब चीजें आपको बता, आपका 1st हाउस ये रिप्रेजेंट करता है। अब आपको ध्यान से देखना है कि 1st हाउस पे जो जुपिटर की दृष्टि है, ये है तुला राशि पे। अब तुला राशि पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ थोड़े से चैलेंजेस आपके बढ़ने वाले हैं। ये चैलेंजेस मोस्टली बढ़ेंगे आपकी लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी और लुक्स को लेके। बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि देखो ये बहुत से सब चीज कनेक्टेड है। जब आपका जुपिटर आपके 11th हाउस में आपको गेंस देगा, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप अब उस गेंस के साथ आप एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जुपिटर और शुक्र, शुक्राचार्य और बृहस्पति, ये दोनों गुरु हैं, राइट? इनके विचार नहीं मिलते, इनमें कोई शत्रुता नहीं है, क्योंकि गुरु, दोनों गुरु कभी शत्रु नहीं हो सकते, इनमें इनके सिर्फ विचार नहीं मिलते। तो अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि जब वो लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो हमारी जो टेम्परामेंट है उसके साथ वो खेलने के, बेसिकली वही होगा कि आप सोचेंगे कि मैं इस तरह कर लूं, पर वो इस तरह आप हो नहीं पाएगा, या आपका सेकंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करो। सो यहाँ पे आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आने के चांसेस हैं, चैलेंजेस आने के चांसेस हैं। आपके लुक से रिलेटेड, आप जुपिटर फैट के कारक है, यानी जितनी भी चर्बी मोटापा आप देखते हो लोगों को, वो जुपिटर की वजह से कहीं ना कहीं होता है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी
बिकॉज 11th हाउस आपको कंफर्टेबल कर देगा, तो कहीं ना कहीं आप आराम में आ जाएंगे, तो आपको आपकी बॉडी का ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आप हमें हम ध्यान देना कि आप ना एक्सेसिव खाना पीना ना खाए, अपने टेस्ट बड्स को कंट्रोल करें थोड़ा, राइट। यहाँ पे आपको और एक चीज देखनी होगी कि आप ना कहीं कहीं अपने कैरेक्टर में भी थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ा गुस्से गुस्सा आपको ज्यादा आने लगेगा, आप अननेसेसरी अचानक से चिढ़ जाएंगे किसी पे, एंड फिर आप रिग्रेट भी करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कहीं भी गुस्सा है, तो आप 1 से लेकर 10 तक काउंट कीजिए अपने मन में, ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, बट तुरंत गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जुपिटर जब देखेगा फर्स्ट हाउस में आपको, तो ना वो आपको वहां आपको थोड़ा चिड़चिड़ा सा बना देगा, क्योंकि ये पूरा कैरेक्टर पर्सनैलिटी ट्रेट्स का घर है। सो वी हैव टू बी केयरफुल हियर। बट अब हम बात करेंगे इनकी तीसरी दृष्टि की, जो इतनी जबरदस्त दृष्टि है, क्योंकि ये डाल रहे हैं अपने ही राशि पर। और थर्ड हाउस जो हाउस ऑफ पराक्रम माना गया है, जो हाउस ऑफ आपके छोटे भाई बहन माना गया है, जो हाउस ऑफ आपका क्या बोलते हैं, आपके स्पोर्ट स्पोर्ट एलिमेंट आपके अंदर, जो आपके अंदर ताकत का थर्ड हाउस माना गया। यहाँ पे थर्ड हाउस से हम ये भी देखते हैं कि छोटी मोटी यात्राएं, छोटी यात्राएं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इफ यू आर इन दिल्ली, तो आप बोलेंगे चलो मैं ना बॉम्बे जाके आता हूँ, घूम के आता हूँ, थोड़ा देख के आता हूँ। तो ये बेसिकली उस तरह का भी घर है। और जो लोग मीडिया से कनेक्टेड है, खास करके कम्युनिकेशंस जिनका काम है सिंगिंग डांसिंग थिएटर एक्टिंग, ये एग्जैक्टली उसका घर है। ये माना जाता है कि जो सिंगर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े सिंगर्स होते हैं, उनका ये घर बहुत अच्छा अच्छी तरह से यहाँ पे प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये थ्रोट को रूल करता है ये घर। तो ये बेसिकली आपको गुड वोकल कॉर्ड देता है, और ये सक्सेस थ्रू ओन एफर्ट्स वाला घर है, राइट। और अगर आपको मैं और डिटेल में जाऊं, तो ये घर है फादर इन लॉ का। देखो जो 8वां घर है वो ससुराल का घर होता है, राइट, खाली ससुराल का घर। लेकिन अगर स्पेसिफिक फादर इन लॉ कैसे होंगे आपके, या क्या उनके ट्रेट्स होंगे, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, और आप सच में इस घर को देखना, और इस घर का जो भी लॉर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर समझो 7 नंबर होता है, तो आप देखो अपने फादर इन लॉ थोड़े से शौकिया किस्म के होंगे। अगर ये 9th हाउस है, तो आपके फादर इन लॉ थोड़े से धार्मिक होंगे, थोड़े भगवान को मानने वाले, धर्म कर्म करने वाले होंगे। तो डिपेंड करता है कि इधर कौन सा आपका प्लेनेट बैठा हुआ है, तो ये उस हिसाब से आप अपने फादर इन लॉ के बारे में भी जान सकते हैं। कंपटीशन का घर है यहाँ पे, अगर आप कंपटीशन में एंटर करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यू विल विन। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर लीब्रा यानी तुला एसेंडेंट, तुला लगन के लोगों के लिए, ये जुपिटर का ट्रांजिट कैसा होगा। जी रोहित जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया तुला लगन वालों के लिए, और हर तरफ से खुशी ही है। और सबसे बड़ा तो अगर पारिवारिक सुख है, अगर वैवाहिक सुख है, तो सब कुछ है। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका, और जिस तरह से इसी एस्ट्रो चैनल को आप सब लोग प्यार दे रहे हैं, हम बहुत बढ़ रहे हैं, हमारे में एनर्जी बढ़ रही है काम करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलेंगे आपसे एक नए लगन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो, और आज हम बात करने हैं वाले हैं वृश्चिक लग्न वालों की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है गुरुदेव महाराज का गोचर, जो होने वाला है 22 अप्रैल 2023 को। चलिए जानने के लिए चलते हैं हम कैलगरी कनाडा, जहां से आकाश चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, एंड थैंक यू। अब हम आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। ये रहा उनका चार्ट, जो आप जी देख सकते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है, ये बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देने वाला है इन्हें। और वाह। इसका खास रीजन है कि जुपिटर इनके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जहां ऑलरेडी राहु देव बैठे हैं, जो उनको कष्ट तो कोई ना कोई दे ही रहे होंगे, और शनि जी की नीच दृष्टि यहां पड़ रही है, राइट। यहां पर आकर उनको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं इन राशि वालों को, इन लगन वालों को। अब
सिक्स्थ हाउस जो होता है उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शत्रु स्थान माना जाता है, आरी भाव कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से हम देखते हैं बहुत सारी चीजों को, जो है हमारी हेल्थ, हमारी डेली लाइफ रूटीन, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स थी जब हम बॉर्न हुए, जब हमारा बर्थ हुआ, वो यहां से हम देखते हैं कि हमारे ऊपर कर्जे कितने हैं, हमारे ऊपर ऑब्स्टेकल्स क्या, हमारे एनिमीज हमें कितना तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोर्ट केसेस क्या है, हम गवर्नमेंट से क्या डील कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो ये सब पूरा डिसाइड करता है आपका सिक्स्थ हाउस। और सिक्स्थ हाउस में गुरु के बैठने से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अगर चल रही है, इनसे रिलेटेड रोग ऋण शत्रु इन चीजों से प्रॉब्लम अगर चल रही है, तो ये सबसे आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। जुपिटर इज अ पॉजिटिव पायस प्लैनेट, जैसे ही वो कोई भी घर में आते हैं या कहीं भी बैठते हैं या गोचर करते हैं, तो उस घर की चीजों को वो एक्सपैंड एनहेंस करते हैं। तो उसी तरह आपके सिक्स हाउस में बैठकर वो शत्रु का विनाश करेंगे, आपकी ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे आपके पास से, आपके एनिमीज को आपके सामने खड़े नहीं होने देंगे, आपके कोर्ट केसेस अगर आपको फैसला मिलना चाहिए तो गुरु जजमेंट की ओर लेके जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपकी बॉडी में कोई रोग डेवलप हुआ है जो क्योरेबल है, जो अभी बस थोड़े टाइम पहले ही डिटेक्ट हुआ है, तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। रोहित जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह गुरु की तीन दृष्टियां भी है, राइट? गुरु की तीन दृष्टियों में अमृत ही अमृत होता है, जहां भी गुरु देखते हैं वहां वो उस हाउस को एनहेंस करते हैं। तो ओवरऑल अगर तीनों दृष्टियों का सिंगल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अगर तीनों दृष्टियों का मैं सिंगल पॉइंट एनालिसिस दूं, तो वंडरफुल टाइम है फॉरेन जाने का भी, फॉरेन में जॉब मिलने का भी, और पैसे भी बनाने के। ये तीनों चीज का आपको बेनिफिट मिलने वाला है वृश्चिक लगन वालों को, यानी स्कॉर्पियो। एक और बात मैं हमेशा रिपीट करता हूं कि आप अपनी कुंडली देखिए और देखिए कि अगर फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, तो ये आपके लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और कहीं तक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जुपिटर की जो पहली दृष्टि है, गुरुदेव देखेंगे आपके 10th हाउस ऑफ करियर में। और आप सब लोगों के मुंह पे जो ये स्माइल आई, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 100% गुरु यहाँ पर बैठ के आपके करियर में आपको एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले हैं। आपके करियर में अब आपको अथॉरिटी मिलने वाली है, पावर मिलने वाली, अचीवमेंट्स का टाइम है ये। गुरु की दृष्टि आपको अचीवमेंट्स दिलाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करिए, तो ध्यान से देखिए कि वो है 5 नंबर राशि, और 5 नंबर है सिंह राशि। रोहित जी, एम आई राइट? राइट राइट सिंह राशि, और सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सन, और सन हेल्प्स यू गेटिंग इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ पे जो ये दृष्टि अथॉरिटी उसी को मिलती है जो गवर्नमेंट जॉब में होता है। छोटा सा छोटा बाबू भी आके बोलता है, अरे हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप बोलते हैं अरे इसकी रिस्पेक्ट करो, ये कोई कोई काम करा देगा। सो गवर्नमेंट जॉब में करियर में प्रेस्टीज बढ़ेगा, रेप्यूटेशन बढ़ेगी, पब्लिक इमेज आपकी जबरदस्त हो जाएगी। तो 10वां घर पॉपुलैरिटी का भी घर है, आप अपने करियर क्षेत्र में पॉपुलर भी होंगे कोई चीज को लेके, तो सडनली सब बोलेंगे यार तेरे को हो क्या गया यार, ये कैसे अचानक से यू हैव बिकम सो कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। ये है सब गुरु जुपिटर का खेल। यहां से जुपिटर देखेंगे आपके 12th हाउस। अब 12th हाउस को कहा गया है व्यय भाव, मतलब यहाँ पे आपको खर्चा, लॉस। बट आप ये भी समझिए कि ये हाउस ऑफ, ये बहुत सारी अलग चीजों के लिए भी घर है। ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का घर है, फॉरेन कंट्रीज में रेसिडेंस का घर है। अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री में आपकी आपका घर हो, या फॉरेन कंट्री में आप विदेश यात्रा करें, बहुत लोगों ने तो प्लेन भी नहीं देखा होता है रोहित जी, उनको लगता है कि चलो एक बार इस बार यात्रा हो जाए, तो ये ना आप करियर के रिलेटेड कोई फॉरेन यात्रा कर पाएंगे, जी राइट? जी ये घर है डिटैचमेंट का घर, सॉरी, ये घर आपको आपके परिवार से दूर करता है। ये घर आपको आपके परिवार, आपके दोस्तों से, आपके रिलेटिव से, आपके नेबर से दूर करता है। तो ये घर का काम,
अब जुपिटर यहाँ अगर बैठ ही जाए खुद तो ये काम करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि के हिसाब से ये यहाँ पे एनहेंस करेंगे ये सब चीजों को। तो ये यहाँ पे आपको कार्य से रिलेटेड विदेश यात्रा करवाएंगे, आपकी फैमिली से थोड़े समय के लिए आपको दूर रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरली जब आप फॉरेन जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए आप अपने उनसे दूर रहेंगे। और आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे कुछ तरीके के, क्योंकि 10th हाउस, और जब 10th हाउस में जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी तो वहां से वो आपको फाइनेंशियल गेन्स लेगा, और ये घर में आप फॉरेन जर्नी से आप थोड़ा खर्चा करेंगे। सो बहुत कुछ बहुत कनेक्टेड है। जुपिटर की जो थर्ड दृष्टि है वो जा रही है आपके सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर मनी, द सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ योर फैमिली, धन, कुटुंब, वाणी, ये तीनों चीज को रूल करता है सेकेंड हाउस। और सेकेंड हाउस में जैसे ही ये दृष्टि पड़ेगी अपने स्वराशि में, तो ये तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ही आए हैं, ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, ये आपको एक पॉजिटिव फैमिली लाइफ की तरफ लेके जाएंगे, ये आपको एक, आपको इन द सेंस आपकी लाइफ में एक नई नई क्या बोलते, उमंग के साथ आप ऐसे होंगे कि मेरे बैंक में इतना पैसा है, नाउ आई फील सो कॉन्फिडेंट। देखिए मेरे डॉगी ने भी बोल दिया भाऊ, मतलब सच होने सच वाली है ये बात, हो और बोल रहे हैं सच ही सच है। सो ये है 12th हाउस का, ये है जुपिटर के तीनों दृष्टियों का मेल जोल, कि किस तरह से ये आपको बेनिफिट देने वाली है। रोहित जी कहा आकाश जी, आपने जबरदस्त तरीके से विदेश भी जाते दिख रहे हैं, और क्योंकि प्रोफेशन उसमें भी है तो हो सकता है विदेश में प्रोफेशन हो जाए, और जब विदेश में प्रोफेशन होगा हाँ जी तो सेकंड हाउस वेल्थ तो क्रिएट हो ही जाएगी। ये जी बहुत बढ़िया बताया आपने। बस इन्होंने एक चीज का ध्यान रखना है, वो कि क्योंकि 6th हाउस में जब गुरु आ जाते हैं तो कई बार दिया हुआ पैसा फंस जाता है, बस पैसा नहीं किसी को देना उधार, एग्जैक्टली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और उपाय इसके लिए वही रेमेडी, होम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, बहुत वो तो इम्पोर्टेंट बहुत रेमेडी है ये। इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी हो बस आप ओम नमो भगवते जरूर जपते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जो गोचर है गुरु का आपके लिए बेहद शुभ रहे और आपको बेहद शुभ नतीजे मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह से आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं और डेफिनेटली हम भी प्रोत्साहित हो रहे हैं और आगे बहुत कुछ करने के लिए आने वाले दिनों में आपको बताते रहेंगे। और मिलेंगे आपसे अब धनु लगन के साथ एक नए वीडियो में। आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान, नमस्कार। मैं हूं रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो, और आज हम बात करने वाले हैं धनु लगन वालों के लिए गुरुदेव महाराज का गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि खुद उन्हीं के लगन के मालिक भी हैं। तो चलिए चलते हैं हम कैलगरी कनाडा, आकाश चौहान जी हमारे साथ वहां साथ हमारे साथ मौजूद हैं, और आकाश जी से कहेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी, बताइए फिर धनु लगन वालों के लिए कितनी बड़ी बल्ले बल्ले होने वाली है। ये तो मतलब आपने पहले ही बोल दिया बल्ले बल्ले, और बल्ले बल्ले ही है, क्योंकि भाई लग्नेश ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये चार्ट धनु लग्न वालों का, इतनी ब्यूटीफुल दृष्टियां है ना इनकी, कि मतलब ऐसे लग रहा है काश मेरा भी धनु लग्न होता। गुरु देव 22 अप्रैल को गोचर करेंगे इनके 5th हाउस में, जो है 5th हाउस, जिसे पुत्र स्थान भी कहा जाता है। बेसिकली उसको एक ऐसे बोला गया पुत्र स्थान, तो लोग बहुत डराते हैं ये खाली पुत्र यहीं से होगा, बट डिपेंड करता है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरह से आपके बच्चे हो रहे हैं, उसके अलग अलग हाउसेज होते हैं। तो यहाँ जुपिटर 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो है आपके हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, हाउस ऑफ प्लेफुलनेस, हाउस ऑफ जॉय, प्लेजर, रोमांस, ये आपकी मेंटल इंटेलिजेंस और आपकी कैपेबिलिटी टू इनोवेट। अगर रोहित जी आप कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनेंगे, तो 5th और 8th हाउस का दोनों का बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये हाउस है बिगिनिंग्स का, यहां से आदमी शुरू करता है कि चलो यार शुरू करें, कुछ शुरू करें, चलो अपना यूट्यूब चैनल बनाए, चलो अपना बिजनेस खोले, चलो एक कंपनी बनाए। सो रोहित जी ये वो हाउस है जो उसे उस हिसाब से रूल करता है। जुपिटर की एनर्जी यहाँ इतनी ब्यूटिफुली प्लेस्ड है कि जुपिटर की नेचुरल एनर्जी यही प्लेस्ड होती है 5th हाउस में, क्योंकि जुपिटर
क्रिएटिविटी और जॉय का कारक भी है, राइट। यहां पे जुपिटर हमें गुड लक, हायर लर्निंग और लर्निंग, विद्या का भी घर, ये विद्या का भी घर माना जाता है। एंड क्योंकि ये त्रिकोण में है तो ये लक्ष्मी माता का त्रिकोण माना जाता है। मोस्टली यहां पे जो प्लैनेट बैठते हैं उनकी सीधा सेवंथ दृष्टि 11वें घर के लाभ वाले घर पे ही जाती है। सो आप भी देख सकते हैं कि इसमें भी 11वां 7वां दृष्टि जो जुपिटर का है वो लाभ स्थान पे ही है, राइट। तो ओवरऑल वेरी वेरी गुड ट्रांजिट, जो इनकी एनिमीज और जो इनकी हेल्थ से थोड़े टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, नाउ इट इज गोना सॉल्व। एंड लग्नेश इनके 5वें घर में, हाउस ऑफ बिगिनिंग्स, अपनी 12 साल की साइकिल खत्म करके आ रहे हैं। रोहित जी एक बात बता दो कि जुपिटर जहां बैठते हैं वहां वो बहुत ओके रिजल्ट्स देते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स दे देंगे वहां आते ही, लेकिन उनकी जो दृष्टियां है ना वो है अमृत, उनमें अमृत है, वो देती है आपको जबरदस्त रिजल्ट्स। अब आप देखिए कि जुपिटर की जो पहली दृष्टि है वो इनके भाग्य स्थान पे पड़ रही है, और ऐसे वाहवाही का ये मानना पड़ेगा क्योंकि वो फ्रेंडली साइन है और जुपिटर की काल पुरुष में 9वां घर ही माना जाता है, उसकी एनर्जी जहां सबसे ज्यादा मौजूद है क्योंकि वो धर्म का घर है, राइट। व्हाट इज हाउस नंबर 9? इट इज द भाग्य हाउस, बोलते ना आपका भाग्य, भाग्य स्थान, राइट। रोहित जी आपका म्यूट है शायद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। रोहित जी आपका शायद म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राइट, मैंने गलत स्ट्रीम यार्ड खोल लिया था पहले। ओके ओके जी, बेसिकली जुपिटर की जो ये दृष्टि है यहाँ पर 9th, मैं इसके बारे में बता रहा था कि इसे भाग्य स्थान कहा जाता है, और भाग्य विधाता जुपिटर से अलावा और कोई नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भाग्य के एक्चुअल रियल कारक है। 9 नंबर राशि जो इनका लगन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, एंड जुपिटर यहाँ बैठ कर अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपको नए गुरु, नए मेंटर्स मिलेंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, जो आपको आपके 11th हाउस की तरफ लेके जाएंगे जो है हाउस ऑफ गेन्स, जो आपको धर्म के बारे में बताएंगे, जो आपको एथिकल होने के बारे में बताएंगे, हायर लर्निंग्स करेंगे। आप लर्निंग के पूरे कर्व में आ गए हैं, आप 5th हाउस से 9th हाउस में लर्निंग, ये टाइम ऑफ लर्निंग, आपके हाथों में किताबें होंगी, आपके मोबाइल पे नए एप्स आएंगे, आपका आप लिखेंगे, आप बुक्स लेके आएंगे, आप पेन खरीदेंगे, ये फॉर्च्यून का, लक का, अच्छे कर्म करने का, चैरिटी करने का, ये टाइम पे आप ये सब करेंगे, और गुरुदेव अति प्रसन्न होंगे आपसे। एंड प्रसन्न होने के बाद वो आएंगे आपके 11th हाउस पे रिजल्ट्स देने के लिए सेकेंड दृष्टि, और बोलेंगे लो भाई तू तो धार्मिक भी है, धर्म का भी पालन किया आपने, गुरु का भी आदर किया, अपने पिता का भी आदर किया, वेरी गुड, अब मैं आपको लाभ दूंगा क्योंकि मैं लाभ स्थान में भी दृष्टि डाल रहा हूँ। आपकी वेल्थ इनकम इंक्रीज होगी, आपकी नेम फेम में गेन गेन बढ़ेगा, आपके अगर कुछ फंसे हुए पैसे है तो वापस आएंगे, अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कुछ ऐसे रास्ते मिलते जाएंगे जिससे आपकी सोशल सर्कल बढ़ेगी, आपके फ्रेंड्स आपको, देखिए चढ़ते सूरज को सलाम है, तो आपके फ्रेंड्स आपको सलाम करेंगे, बोलेंगे भाई ये तो आप, इसके पास तो पैसा भी है, इसके पास इज्जत भी है, ये तो सोशल स्टेटस भी रखता है, इस बंदे को घूमना चाहिए या इसे अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। सो एवरीथिंग इज इन योर फेवर। आपके अपने बड़े भाई बहनों से रिलेशनशिप्स में अगर कोई टकराव या प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉल्व होगी जी। और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि 11वां घर से देखा जाता है कि आपका सन इन लॉ और आपकी डॉटर इन लॉ कैसे होंगे, ये बहुत जन नहीं बता पाएंगे, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते। 8th हाउस इज द हाउस जहां से आप ये पता कर सकते हैं कि अब जैसे जो मेरा वीडियो देख रहे हो, जिनकी जिनके घर में बहू हो या जिनके जिनका सन इन लॉ हो, तो वो देख सकते हैं कि किस तरह का प्लैनेट वहां बैठा है और वो कैसे रिजल्ट्स आपको देने के लिए, आपके कैसे कार्मिक डेट्स को क्लियर करने आया है। तो उसी तरह के आपको सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ मिलते हैं। सो ओवरऑल 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, एंड यहाँ पे जो भी ये हाउस सिग्निफाई करता है, फेम, मनी, मतलब सोशल,
इच्छाएं, एग्जैक्टली इच्छाओं का घर, ये आपको आपकी इच्छाएं पूरी होगी। मूविंग ऑन, जो सबसे बेस्ट दृष्टि गुरुदेव की है वो है आपके लगन पे, और लगन पे ये दृष्टि वो डाल रहे हैं अपने ही धनु राशि पर। जब कोई प्लैनेट अपने घर की तरफ देखता है तो वो अपने घर को चमका देता है, वो बोलता है चलो भाई अब अपने घर को हम क्या बोलते हैं सपनों का एक महल हो सपनों का बनाए ये बिल्कुल सपनों ठीक का महल बनाने के लिए। तो और ये जो घर में देख रहा है, ये महल आपकी शरीर है, ये आपकी बॉडी है, ये यहाँ पे आपकी बॉडी को चमकाने वाला है, आपका फिजिकल अपीयरेंस ठीक करने वाला है। अगर आपने जुपिटर के चलते चलते 6th हाउस में से चलते चलते फैट थोड़ा बढ़ा लिया है बॉडी में खा पी के, ये टाइम है कि वो आपको बोलेगा आ जाओ भाई ट्रैक पे, फैट्स बर्न करो। आपको अगर कोई स्पीच प्रॉब्लम, वीकनेसेस, पब्लिक स्पीकिंग में कुछ डर लगता था, तो अब आपकी ये सब चीज एनहेंस हो जाएगी। आपके कैरेक्टर में, आपके पर्सनालिटी में ऐसा चेंज आएगा कि लोग बोलेंगे अरे ये वही है ये जो आज से 2 महीने पहले था। इतनी सारी चेंजेस लेके जुपिटर देव गुरु बृहस्पति आपके लिए अनबिलीवेबल रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं। जितने भी लोगों को शनि की ट्रांजिट और राहु के 5th हाउस में बैठने से बच्चों में प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो भी सारी सॉल्व होनी ही होनी है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इज द कारका ऑफ एक्सपेंशन, और वो एक्सपेंड करेंगे आपके वो रीजन को जो आपको लाभ देता है, आपकी भाग्य को एक्सपेंड करेंगे, आपकी गेन्स को एक्सपेंड करेंगे, आपकी फिजिकल हैप्पीनेस और आपकी कैरेक्टर को एनहेंस करेंगे। रोहित जी ये है एनालिसिस। एक और बात मैं यहां उसके पहले बता दूं कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि जुपिटर की दशा या महादशा चल रही है। जैसे रोहित जी आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है, जी आपके लिए ये 100% बेनिफिट लेके आएगा। लेकिन किसी की अगर मंगल की दशा चल रही है, उसमें शनि चल रहा है, तो ये 25% तक आपके लिए वर्क करेगा। जुपिटर तो ट्रांजिट पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, वो कोई भी धर्म देखेंगे, वो कोई भी व्यक्ति को नहीं देखेंगे, वो सारे कर रहे हैं ट्रांजिट। बट जिनकी दशा चल रही है, जिनकी कुंडली में वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है, या अंतर दशा का मालिक है या अंतर दशा का मालिक है, और अगर वो एमएलए भी है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्रात्यंतर दशा का भी मालिक है, तो भी आपको वो कहीं ना कहीं फायदा देके ही जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या फायदे होने के, या आप किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं इस वीडियो से। अगर आपके कोई सवाल भी है जुपिटर से रिलेटेड, तो आप जरूर लिखे हमें, हम वक्त ने अगर हमें अलाउ किया तो हम जरूर आपकी हेल्प करना चाहेंगे। एंड बीवेयर कि आप अगर हमें ऐसा लिखेंगे कि प्लीज आप हमें बता दीजिए जनरली, तो वो नहीं वर्क करने वाला है। इफ यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, तो आप जरूर लिखिए, हम आपको 100% हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपकी लाइफ में खुशियां रहे और आप सही रास्ते पे, ज्योतिष के रास्ते से सही मार्ग देखिए। रोहित जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और आपने जी मुझे भी एक्टिवेट कर दिया ये कह के कि मेरी भी गुरु की महादशा चल रही है, और क्योंकि अगला जो लग्न है वो मकर ही होने वाला है, तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है जी और मैं जानना चाहता हूँ अपने बारे में भी। और चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा भी कि जब भी आप हमें सवाल पूछें, देखिए स्पेसिफिक रहें, क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट तो है। लेकिन राइट अगर आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कभी हो भी नहीं, पर फिर ये मत कहिए कि जनरल प्रिडिक्शन कर दो। देखिए, फिर वो लोग कतार में पीछे रह जाएंगे जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर कोई किसी की शादी फंसी है तो मैरिज से रिलेटेड एक पूछ ले, हेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ है तो वेल्थ से रिलेटेड, बच्चे एक क्वेश्चन आप पूछिए, आपको जवाब हम पूरा 100% कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जब जुड़ते हैं और बहुत सारी बाढ़ आ जाती है मेल बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे, तो थोड़ी सी मुश्किल तो आती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमने एक प्रण लिया है कि जी जगत को आनंद अवस्था तक लेके जाना है, जगत को आनंद अवस्था, और आनंद की अवस्था कब आती है, जब संतुष्टि हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, वो हम
ACSU की कोशिश है और वो हम करते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, आपका भी बड़ा योगदान, सबसे बड़ा सहयोग आप ही का रहता है लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। और अब आपको हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं मकर राशि के लिए, थोड़ी सी आप रिसर्च कर लें क्योंकि मेरा ही मकर लग्न है। तो मिलेंगे आपसे अब मकर लग्न वालों के कुंडली के साथ, उनके एनालिसिस के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और आज हम बात करने वाले हैं मकर लग्न वालों के लिए गुरुदेव का गोचर कैसे रहने वाला है जो कि 22 अप्रैल 2023 को होने वाला है। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का कैनेडा कैलगरी से, जहां से हमारे साथ वो मौजूद हैं और वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आकाश जी, मेरा भी मकर लग्न है, मार्गदर्शन करेंगे। आई नो, मुझे आप रात भर से सोए नहीं हो सोच के कि मकर लग्न का वीडियो। मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत मजा आएगा आपको। दुख भरे दिन गए रे भैया, अब सुख क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद। देखिए रोहित जी, क्लियर इंडिकेशन ऑफ गुड लक, उसका रीजन है कि जी देव गुरु बृहस्पति जी सीधा जाके आपके फोर्थ हाउस में बैठ गए जी, और ये घर में सबसे ज्यादा दुखी थे आप इस घर से। उसका रीजन बताता हूं, शनि की तो नीच दृष्टि और राहु का वहां पे ऑलरेडी होना, माता की तकलीफ, माता को तकलीफ देना, माता की हेल्थ से प्रॉब्लम होना, आपको आपके आप हंसी आपकी सारी रोने में बदल गई थी। सो बिल्कुल राइट नाउ वंडरफुल टाइम आ रहा है आपका। जुपिटर ने यहाँ आके बेसिकली ये बोले ना एंटीडोट है, आपको स्नेक का पॉइजन लग गया था, ये पॉइजन उतारने आ गया। वाह, और फोर्थ हाउस में बैठकर जुपिटर जी सुख को तो दुगना करेंगे ही, उसके साथ साथ नई गाड़ी और नए वाहन लेने के भी आपके योग बन रहे हैं। क्योंकि जुपिटर अगर सुख के कारक है तो वो आपके लिए ये बेनिफिट ही लाएंगे कि आप नई गाड़ी, नया घर, या गाड़ी और घर से प्रॉफिट भी होगा आपको। अगर आपकी कोई गाड़ी है वो बिक जाए पुरानी और उससे प्रॉफिट हो, तो वो तरह के भी आपको चीजें देखने को मिलेगी। ये और एक समय है रोहित जी कि यहाँ पर, बिकॉज आपसे मैं बात कर रहा हूं और आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपके फॉरेन के भी योग खुल गए हैं, तो क्या पता अगली वीडियो, अगली राशि की वीडियो हम कनाडा में बैठ के साथ में बना रहे हो। उसका रीजन है कि जुपिटर की जो ये दृष्टि है यहाँ से, वो 12वें घर पे जा रही है और वो है उसका अपना ही घर, अपना घर और धनु राशि। आप ये समझिए, धनु राशि ये लॉन्ग गुरु की महादशा चल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का कारक है। और अगर किसी की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो फिर आपके लिए ये 100% यही रिजल्ट है। और इसका ये हमारे जो पौराणिक वेद है, जो पौराणिक हमारी वैदिक बुक्स है, वो गलत नहीं लिखती, उन्होंने तो लाखों कुंडलियों पर रिसर्च किया है और उसके बाद लिखा है। इसके बाद ही ना तो एस्ट्रोलॉजर भगवान होता है कि उसको सब पता होता है, तो पढ़ाई करके ही पता चलता है कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट। पहले तो वो खाली एबीसीडी होते हैं। उसकी तरह से एक मिनट रोज मैं पानी पी लू, सॉरी। तो रोहित जी आप ध्यान दीजिए कि जो भी मकर लगन वाले लोग हैं उनके चक्कर लगना बंद हो जाएंगे। जो उनके चक्कर लग रहे थे ना इधर उधर, वो सब बंद। अब तो सुख ही सुख होगा, एनहेंस होगी आपकी चीजें। इनफैक्ट अगर आप, मैं इसमें से जुपिटर के भी मैं दृष्टियों की बात करने लगा हूं रोहित जी, जुपिटर की जो इधर पहली दृष्टि है जो सबसे अमृत मानी जाती है, वो आपके 8वें घर पे पड़ रही है। तो रोहित जी, जो आपका ड्रीम, जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, जैसे वो है मंत्र विद्या, राइट। उसमें आपको एनहेंसमेंट मिलने वाली है, राइट। एसी एस्ट्रो के साथ साथ आरके एस्ट्रो भी सुपर हिट होने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग जैसे कहे हम कि रिसर्च से जुड़े हैं, जो लोग डीप नॉलेज में जुड़े, जो लोग माइनिंग से जुड़े हैं, आजकल तो क्या वो कहा बिटकॉइन माइनिंग है, उस माइनिंग की बात नहीं कर रहा मैं। वो माइनिंग नहीं, वो तो गैम्बलिंग हुआ, गैम्बलिंग को तो जुपिटर हेट करते हैं। तो जो लोग धरती के नीचे या गहराई के अंदर जाके काम करते हैं, समुद्र के नीचे जाके काम करते हैं,
गोताखोर जो होते हैं, जो डीप जगह जाते हैं जहां कोई नहीं जाता है, इनफैक्ट जो लोग किताबों में घूमे रहते हैं, जो लोग किताबों में अपना टाइम निकालते हैं, जो डीप चले जाते हैं किताबों में, ये उनके लिए बेस्ट पीरियड है। रोहित जी, जो 8,000 उसको हम आयु स्थान भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ाएंगे, आपकी लॉन्जिटिविटी बढ़ाएंगे, आपको एक बोलते ना एक वरदान ही है आपके लिए, अगर आपकी लाइफ में आप कोई बीमारियों से जूझ रहे तो उससे वो आपको मुक्त करेंगे, ये आपको मेंटल पीस जो आपकी इम्बैलेंस थी उसको रिस्टोर करेंगे। सडन लॉसेस का घर है, तो अगर आपको सडन लॉसेस होने वाले होंगे तो जुपिटर रोक देंगे उसको, राइट। जो भी मैथमेटिशियंस है या जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जैसे आप रोहित जी, आप काफी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और काफी आप प्रैक्टिस करते हो और आप मानने लायक है आपकी कई कई प्रेडिक्शंस जो मैंने देखी है, तो वो और एनहेंस होगी आपके अंदर, पता नहीं एक ऐसा अंदर चिंगारी होगी ना कि जो आग बन के बाहर निकलेगी, आप बोलोगे यार आग लगा देगा तू, ऐसा ऐसा काम करने वाले हो। वाह। और आप नहीं, जो भी इस लगन के होंगे वो अपने क्षेत्र में वो आग लगा देंगे, जबरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। उसके लिए मैं आ रहा हूं आपके सेकंड दृष्टि पे, जो आपके करियर पे पड़ेगी। देखिए, जुपिटर की दृष्टि करियर पे पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे रोहित जी आपको एक हायर अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। जुपिटर एक पायस यानी एक पाक यानी एक शुद्ध प्लैनेट है जो आपको शुद्ध रिजल्ट देते हैं। तो जब वो कर्म भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, सेकंड दृष्टि मतलब लाभ वाली दृष्टि, धन वाली दृष्टि, तो आपको वो आपका कर्म अच्छा करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपकी लाइवलीहुड, आपकी जो पैसे आने की जगह है वो बनेगी आपके लिए, आपका करियर ऊपर जाएगा, आपकी एक स्टेटस पाएंगे, आप अपने बिजनेस में या अपने जॉब में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। इनफैक्ट अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगी, आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। और रोहित जी एक और बात, ये आप अभी नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी एक डेढ़ महीने से आपका कुछ चल रहा है, ये ऐसा होता है कि ट्रांजिट के एक महीने पहले से जुपिटर अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे, ये ऑलरेडी चालू हो गया है। ऑलरेडी लोग यहाँ पे जॉब ऑफर्स आना शुरू हो गई है, ऑलरेडी उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और रोहित जी, एस वी नो, साढ़े साथी, जिनकी साढ़े साथी चल रही है उनको भी काफी रिलीफ मिलने वाला है। और फॉरेन ट्रैवल तो वाले घर पे अब मैं आ रहा हूँ, जो आपकी तीसरी दृष्टि जुपिटर डाल रहे हैं वो फॉरेन ट्रैवल पर डाल रहे हैं जो रोहित जी। तो जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं कि देखिए, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो सैटर्न है वो फिलहाल नीच दृष्टि फोर्थ हाउस पे डाल रहे हैं और राहु वहां ऑलरेडी बैठा है, तो आपका फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है, दैट मींस आपका होमलैंड डिस्टर्ब है। तो राइट नाउ अगर आपकी चार्ट में अच्छे प्लेसमेंट नहीं है इन ग्रहों के, तो आपको तो फॉरेन जाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप वहां पे जाके बहुत एनहेंस्ड रिजल्ट्स लेने वाले हैं। यहाँ पे आप जुपिटर अपनी ही राशि की वजह से आपको फॉर गुड अपनी फैमिली से दूर करेगा, यानी फॉरेन भेजेगा, वहां आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, वहां आपके लिए भाग्य उदय होने के चांसेस है, वहां आप घर ले सकते हैं, वहां आपके ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएंगे, वहां आपका इमोशनल बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो गुरु का ट्रांजिट है, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा ट्रांजिट माना जाता है। और पीछे से मेरी बेटी ने हंसना शुरू कर दिया। तो ये शुभ संकेत है, कन्या देवी है ये, मतलब अगर खिल खिला के हंस रही है तो जिंदगी में हंसने का समय आ गया है मकर लगन वालों के लिए। और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, और जो खासकर गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं आपके लिए हंसने की दशा है, पर ये जो बेचारा मेरा प्यारा सा डॉगी है उसके लिए रोने की दशा है, ये उससे इसे तंग करके रखा है। कैसे छोड़ा है इस बेचारे की दशा में, कहीं शनि या राहु की कोई गोचर है। सबसे बेहतरीन समय है ये, आप उसको बोलने दीजिए। हेजल, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? गुड, वेरी गुड। चलिए, ये सबसे अच्छी जो टाइम पीरियड होता है ना इंसान का, वो यही होता है। आप और हम देखिए अब क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये देखिए उसको कोई लेना देने नहीं, वो ड्यूक के साथ खेल रही है, आराम से पूरे मजे ले रही है। चलिए, भगवान करे ऐसी खुश रहे।
और मकर लग्न वालों के लिए भी खुशी की ही बात बताई गई है, हर तरफ से खुशी है। अगर आप गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं फिर तो डेफिनेटली आपका विदेश जाना लगभग तय है, क्योंकि हम 12वीं और 8वीं दोनों घर को ही विदेश से जोड़ के देखते हैं। और मुझे लगता है कि एक अच्छी यहाँ पर बात है कि लंबे समय से जो ट्राई कर रहे थे उनके लिए अच्छा ही अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात करेंगे हम अगली बार कुंभ लग्न वालों के लिए, आप लोग भी इंतजार करें, बहुत जल्द आपका वीडियो भी आ रहा है। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो, और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न वालों के लिए गुरुदेव का गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में होने वाला है। तो क्या खास आपके लिए होने वाला है, कैसी खुशियां आने वाली हैं। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आकाश चौहान का कैलगरी कनाडा से, जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आकाश जी नमस्कार, मार्गदर्शन करें कुंभ वालों का। जैसी आपकी आज्ञा रोहित जी। ये हम डिस्कस करते आइए कुंभ राशि की कुंडली। ये रही, एक तो सोना ऊपर से सुहागा, ये है इनका टैगलाइन। वाह, शनिदेव ऑलरेडी इनके लग्न में बैठ के इनको जबरदस्त रिजल्ट्स दे रहे हैं, राइट? लग्नेश लग्न में बैठा है, जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। अब जुपिटर देव गुरु आ जाएंगे इनके थर्ड हाउस में, पराक्रम स्थान में, हाउस ऑफ स्मॉल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है? यहां पे गुरु का सबसे अच्छा जो रोल होगा यहाँ पे वो ये होगा कि गुरु, ये जो हाउस है ना, ये हाउस है सोच शक्ति को बढ़ाने वाला हाउस, ये हाउस है इच्छा जगाने वाला हाउस। ये हाउस में अगर इच्छा ही नहीं होगी कुछ आगे बढ़ने की, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए आप नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे गुरु आके आपको एक ऐसा मार्ग दिखाने वाले है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा, जो आपको आपकी इंटेलिजेंस को 10 times ज्यादा बढ़ा देगा। बोलेंगे यार कल तक तो तू गधे बातें करता था, आज तू इतनी ज्ञानी ज्ञानी बातें कैसे कर रहा है? ये हाउस, ये जो घर है, ये हैबिट्स का घर है, कि कभी खराब हैबिट्स लग गई है कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है, तो वो अब एक अच्छी हैबिट्स में कन्वर्ट होने का टाइम है। छोटी मोटी यात्राएं, अगर आप छोटी मोटी यात्रा करने के लिए या आपका जॉब डिमांड करता है कि छोटी मोटी यात्राएं करें और काफी टाइम से आप कर रहे हो और उसमें बैड रिजल्ट्स आ रहा है, तो जुपिटर यहां पर आपको वंडरफुल से सुपर वंडरफुल रिजल्ट्स देंगे। ओके, आपको ये ध्यान देना है कि इस कुंडली में जुपिटर जो दो घर रूल करते हैं वो धन के ही घर है। रोहित जी गौर करने वाली बात है कि सेकेंड हाउस भी जुपिटर का है और 11th हाउस भी जुपिटर का है। वाह, तो ये लोग जो कुंभ लग्न के हैं अप्रैल 27 के बाद, क्योंकि 22 से 27 तक गुरु अस्त होंगे, 27 के बाद एक सूटकेस खरीदे नया, क्योंकि कहीं पैसा रखने की जगह तो होनी चाहिए, राइट? जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के जो लोग कम्युनिकेशन, जो लोग रेडियो राइटिंग, जो लोग ऐसी चीजों में काम कर रहे हैं, उनके लिए उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। उनके जो एक्टिंग की करियर में अपने आप को देखना चाहते हैं, जो रेडियो में आरजे बनना चाहते हैं, ऐसे सब लोग, सॉरी मेरा डॉगी ना बहुत है। वो भी एक्साइटेड है कि मेरा भी देख लो कुंडली। तो जो लोग मीडिया से रिलेटेड है, जो लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो लोग मेंटल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जैसे जो लोग ऐप डेवलपर है, जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें दिमाग से होशियार होने की जरूरत है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जी। यहां से जुपिटर की तीन दृष्टियों के बारे में बात करेंगे हम रोहित जी। तो जुपिटर महाराज की तीन दृष्टियां हैं, जो पहली दृष्टि पड़ रही है इनकी वो वाले घर में जहां पे इनकी मतलब इस बार बल्ले बल्ले ही होने वाली है, वाह वाह होने वाली है, क्योंकि ये इनकी स्पाउस का घर है, पार्टनर्स का घर है। तो अगर फीमेल स्पाउस से आप परेशान हैं या आपकी अनबन चल रही है तो आपका बहुत अच्छा होगा,
वही तरह से मेल स्पाउस से अगर आप परेशान है आपकी अनबन चल रही, तो आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, चल रही थी, राइट, वो सब भी अब सॉल्व होने के कगार पर है। इसके अलावा यहां पर फॉरेन कंट्री में अगर आप घर लेना चाहते हैं, तो ये उसका भी घर माना गया है, सेवेंथ हाउस, क्योंकि ये लग्न से ऑपोजिट है। यहाँ लग्न से ऑपोजिट वाला घर ये फॉरेन में घर लेने का संकेत भी देता है। अगर आप फॉरेन में घर लेने की प्लानिंग में है, तो राइट नाउ इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। जी रोहित जी, यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां पे से जुपिटर देखेंगे नाइन्थ हाउस में, जो काल पुरुष की कुंडली में नाइन्थ हाउस जुपिटर की एनर्जी ही लेके रखता है, क्योंकि ये है कौन सा घर रोहित जी? भाग्य स्थान। ये है आपका भाग्य स्थान, और या बोले कि धर्म स्थान। यहां पर जुपिटर देखने के बाद आपको 110% एक गुरु की आपको इंट्रोडक्शन होगा। उसका रीजन भी देख लीजिए, क्योंकि ये 7 नंबर राशि यानी तुला राशि इसके मालिक है शुक्राचार्य, जो अपने आप में गुरु है। तो यहां पर आपको कोई गुरु मिलने के चांसेस है, यहां पर आपको अपने ड्रीम्स कम ट्रू करने के चांसेस है, आप रिलीजियस हो जाएंगे, आप क्या बोलते, गुड कर्म बटोरेंगे, आप धर्म की तरफ बढ़ेंगे, आप एथिकल काम करेंगे, आप हायर लर्निंग्स की तरफ बढ़ेंगे, आप चैरिटी करेंगे। तो ये सब करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका भाग्योदय होना ही है, जो अच्छे काम करेगा उसको तो भाग्योदय हो गई। सो यहां से आपको नाइन्थ हाउस से पिता से बहुत आपको क्या, पिता से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। पिता भी एक गाइडिंग फोर्स, एक गुरु ही है हमारी लाइफ में। उसी तरह माता पिता तो हमारे जीवन के प्रथम गुरु है, जिन्होंने हमने चलना सिखाया, हमें हमारे मुंह में अन्न डाला। तो मैं हमेशा कहता हूं अपने वीडियोस में कि अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप कुंडली बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर या इनफैक्ट ब्रह्मा जी को भी दिखा के आई है, वो बोलेंगे जाओ माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, तो ही आपका कुछ होगा लाइफ में। सो आई वुड रिक्वेस्ट दिल से कि अपने माँ बाप की सेवा करें। आप जितने लोग फॉरेन से ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए क्या टाइम है, अगर आपका टाइम अलाउ करता है, तो अभी का अभी अपनी माँ बाप को फोन लगा के उनका आशीर्वाद लीजिए। उनको कहिए कि मैं ये रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं ये जानता हूं कि आप लोगों ने कितनी मेरी हार्डशिप से या डिफिकल्ट टाइम से मुझे पाला पोसा, और मैं बहुत आभारी हूं इसका। यू हैव टू टेल देम इफ यू आर कनेक्टेड टू योर टीचर्स, अगर आपके टीचर आपके से कनेक्टेड, तो कॉल कीजिए उन्हें, मैसेज फेसबुक कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कुछ भी कीजिए, और उन्हें थैंक यू कहिए। ये नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करता है। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डिवोशन। मेरे हिसाब से, मैं जब भी सोचता हूँ हनुमान जी के बारे में, मुझे लगता है कि इस कुंडली, इस हनुमान जी की कुंडली में 9वें घर में राम का नाम ही लिखा था, डिवोशन ही था, वही उनके गुरु थे, वही उनके उनका संसार है। तो नाइन्थ हाउस को बहुत इंपॉर्टेंट लेना चाहिए अपनी लाइफ में। यहां से रोहित जी गुरु देखेंगे इनके 11th हाउस में। 11th हाउस गुरु का यहाँ पर खुद का घर है, जिसे हम कहते हैं धनु राशि। अब जब एक प्लैनेट स्वयं अपने राशि में देखे, और उस घर का जो कर्तव्य है वो लाभ देना हो, तो वो क्यों ना दे आपको लाभ। वो आपको वेल्थ देगा, वो आपको इनकम देगा, वो आपको गेन इन नेम एंड फेम देगा, मनी, और वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा कि आपको प्रॉफिट किस तरीके से होना है। क्योंकि वो अच्छे घरों में देख रहा है, वो एक अच्छा प्लेनेट है, तो वो आपको सात्विक तरीके से प्रॉफिट दिलाएगा। अगर आपने बिल्कुल भी कोई गैम्बलिंग या पंगा लेने की कोशिश की, तो जुपिटर उस हिसाब से रिजल्ट भी देगा। क्योंकि याद रखिए कि ऋषि मुनि श्राप देने में कहीं पीछे नहीं हटते थे। उनका जब जब भी दिमाग सटका, वो श्राप दे देते थे वो। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप श्राप मुक्त रह के कैसे भी गुरु के जो एक पायस, जो एक बोलते ना पुण्य वाले काम है, वो करें। तो आपको ये 11th हाउस से आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपकी फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके वेल विशर्स बढ़ेंगे,
चढ़ते सूरज को सलाम होता है ना, वो ये घर है। यहाँ पे आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर से भी आपको लाभ हो सकता है। आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर आपकी वो आपको कोई ऐसा एडवाइस दे सकते हैं जिससे आपकी लाभ ही लाभ हो जाए आपकी लाइफ में। सो ओवरऑल जो गुरु का ये ट्रांजिट है फॉर कुंभ, ये शुभ माना जाएगा और अत्यंत शुभ माना जाएगा, क्योंकि गेन्स कलयुग में आपको जुपिटर आपके मैरिटल लाइफ में भी खुश रखेगा, आपके धर्म स्थान पे भी खुश रखेगा और आपके लाभ स्थान पे भी खुश रखेगा। इससे ज्यादा क्या मांगेंगे कलयुग में हम? जी रोहित जी आपका म्यूट है। रोहित जी बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि कैसे कलयुग है ये और यहाँ सबको खुश रखना बड़ा मुश्किल है, पर ये कुंभ लग्न वालों की बड़ी सुंदर बात मैं देख रहा था आकाश जी, वाइफ के घर पे दृष्टि आ रही है, मतलब वाइफ खुश, अच्छे संबंध। और वाइफ कब खुश होती है? जब इच्छाएं पूरी हो, इच्छाओं पैसा, इच्छाएं पूरी हो रही है, इच्छाओं के घर पे भी आ रहा है। तो वाइफ देखेगी कि हस्बैंड तो धार्मिक हो गया, हस्बैंड तो अच्छी चीजें कर रहा है, तो क्यों नहीं खुश होगी? यही देखो, हम मेल डोमिनेट नहीं रह सकते, यही फीमेल्स के लिए। जब फीमेल्स भी जब मेल भी देखेंगे कि यार ये तो मेरी वाइफ बड़ी धार्मिक हो गई है, पूजा कर रही है, अच्छे गुरुओं के पास जा रही है, इसको तो लाभ भी हो रहा है, इसके इसके मात्र इसके साथ रहने से मुझे लाभ हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं हमारी बहनों की भी बहुत अच्छी ट्रांजिशन। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया भी। और कुंभ लग्न वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा रहे आपके लिए ये ट्रांजिट ये साल। और आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कि बार बार आपको पानी पीना पड़ रहा है, साथ साथ में उसका कारण एक सबसे बड़ा है कि लगातार बोलना, एनालाइज करना, सारी चीजों को उनके लिए चार्ट्स प्रिपेयर करना, कैलकुलेशंस तैयार करनी, वाकई मतलब आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके जा रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि एसी एस्ट्रो ऐसे ही लोगों को जो ज्योतिष की ये जो रोशनी है इसके अंदर चलने का रास्ता दिखाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अब। मीन लगन एक बचा है, फटाफट से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर मीन लगन वालों के एनालिसिस के साथ आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और अब हम बात करने वाले हैं आज मीन लगन वालों के लिए गुरुदेव का गोचर कैसा रहने वाला है। 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव गोचर करने वाले हैं, आप ही के लगन के मालिक हैं। हम वेलकम करते हैं कैलगरी कनाडा से आकाश जी का। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जानना चाहेंगे सभी लगन आपने बड़े सुंदर तरीके से बता दिए, क्या मीन लगन वालों के लिए भी उतने ही सुंदर रिजल्ट मिलने वाले हैं क्या? आई थिंक आउट ऑफ 12 लगन मीन लगन वालों के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट्स होने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश खुद ही है इनके, राइट? तो मैं विदाउट फर्दर टू डू मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। और एक और अच्छी बात है कि जब लगन से सेकेंड हाउस में कोई बैठ जाए ना, और वो लग्नेश ही बैठ जाए, तो आप समझो कि भाई माल पानी आने वाले, पैसा ही पैसा बरस रहा है, आपका बैंक अकाउंट ऐसे भर जाएगा। क्या बात! तो मीन लगन वालों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट्स इन लाइफ है, ये समझ लो। 12 साल के बाद ही आता है भाई ये वाला ट्रांजिट। सही बात। ये रहा उनका चार्ट। मीन लगन वालों के लिए इतना अच्छा है क्योंकि ये बैठे हैं इनके सेकंड हाउस में धन, कुटुंब और वाणी के, और यहाँ से तीनों दृष्टियां इनकी इतनी ब्यूटीफुल है ना रोहित जी की मजा आ गया। एक तो इनके शत्रु के नाश करने के लिए दृष्टि है, दूसरा इनके लिए इनकी आयु बढ़ाने की दृष्टि है, इनके दुख दूर करने की दृष्टि, और थर्ड इनका करियर आगे बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मीन लगन के और IAS PCS या लॉ से रिलेटेड कोई भी काम या एग्जाम देने के चांसेस में है, तो उनके लिए जीत है, क्योंकि इनकी सेकेंड हाउस से सीधा दृष्टि पड़ रही है इनके सिक्स्थ हाउस पे, हाउस ऑफ कंपटीशन, हाउस ऑफ एनिमीज पर। रोहित जी अब हम बात करते हैं कि जुपिटर जो इनके सेकेंड हाउस में बैठा है मेष राशि में, वो क्या बेनिफिट लेके आएगा। देखिए मेष राशि में जो जुपिटर की एनर्जी है वो बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि जुपिटर और मार्स आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है, और क्योंकि ये लग्नेश की कुंडली है तो यहां पर जुपिटर की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई, क्योंकि लग्नेश है।
अब लग्नेश जो है वो दूसरे घर में बैठकर आपको धन भाव में बहुत सारे फायदे देने वाले हैं। वो आपको आपके फिक्स एसेट्स को बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो एनहेंस एनहेंस के कारक है। जुपिटर एक्सपैंड करते हैं, वो आपकी पारिवारिक खुशी में एक्सपेंशन लाएंगे। क्या पता आपके घर में कोई पुत्र या पुत्री का जन्म हो जिससे आपकी पारिवारिक खुशी और बढ़े, आपकी फैमिली लाइफ आगे बढ़े। इसी के साथ साथ सेकेंड हाउस में बैठ के ये आपको अच्छे चीजों के बारे में सोचने पे मजबूर करेंगे। फाइनेंशियल वे में आप बैठ के बोलेंगे कि चलो एक चार्ट बनाएं कि हम इतना कमाते हैं, इसको डबल कैसे किया जाए, इसको आगे कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो सेकेंड हाउस आपके कम्युनिकेशन का भी घर माना जाता है। आपकी वाणी बहुत मीठी हो जाएगी और सात्विक हो जाएगी। अचानक से लोग बोलेंगे, यार पहले तो तू ऐसी बातें नहीं करता था, अब क्या हो गया अचानक से? तो ये बेसिकली जुपिटर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ देने के लिए आ रहे हैं। और आपके लगन के मालिक है, आपके कर्म स्थान के मालिक है, तो ये यहाँ पर कर्म को भी देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपके तो 100% बल्ले बल्ले प्रमोशन, आपके कार्य क्षेत्र में नई जॉब लगने के चांसेस, आपकी नई जॉब में हायर पोजीशन पे जाने के चांसेस, या अपने कर्म को सुधारने का टाइम है। अब यहां से जुपिटर जो अपनी पहली दृष्टि डालेंगे वो आपके सिक्स्थ हाउस पर डालेंगे। एंड सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस है शत्रु स्थान आपका। वो सारी चीजें जो आपकी लाइफ में आपको शत्रुता, जो आपकी शत्रु है बेसिकली बेसिकली, जैसे आपकी हेल्थ में कोई डिजीज का आ जाना, वो डिजीज आपका शत्रु है। आपकी लाइफ में कोर्ट कचहरी का कोई प्रॉब्लम पड़ जाना, वो आपका शत्रु है। आपकी लाइफ में किसी नॉर्मल शत्रु का ही पैदा हो जाना जो आपको हार्म करने के लिए लगा हुआ है, भाई आपकी वो करियर में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहां पर जुपिटर देख के इन सबको भस्म कर देंगे। ये जुपिटर का काम है, जुपिटर देख रहे हैं सूर्य की राशि में, गरम गरम राशि में ठंडी ठंडी दृष्टि डाल के देख रहे हैं कि भाई मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। जो भी यहाँ पे इन जातकों से पंगा ले रहा है, जो भी रिलेटेड, मतलब अगर कोई डिजीज आपसे पंगा ले रही है तो डिजीज को नहीं छोड़ेंगे गुरु, कोई बंदा आपसे पंगा ले रहा है तो उसको नहीं छोड़ेंगे, और अगर कोई इन अ वे कोर्ट कचहरी या कहीं फैसलों की बात होनी है तो वो फटाफट फैसला आपके हक में करके आगे बढ़े। पर यहाँ पे ना कंडीशंस अप्लाई है। कंडीशंस ये है कि ऐसा ना हो कि आपने कोई गलत काम किया हो और आप उसके उसकी वेट करें, तो जुपिटर तो न्याय भी देंगे। अगर आपने गलत काम किए तो आप जेल भी जाएंगे, ये याद रखना। तो अगर आप किसी के लिए एनिमी है तो आपको जुपिटर छोड़ने वाला नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद अपना मन साफ रखे और आगे बढ़े। अब आगे हम भी बढ़ते हैं जुपिटर के सेकंड दृष्टि जो इनके एट्थ हाउस में पड़ेगी। और एट्थ हाउस ब्यूटीफुल हाउस है आपका। एट्थ हाउस हाउस है लॉन्जिटिविटी का। एट्थ हाउस से आप बोले ना, जैसे जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसी बीमारी है जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है और डॉक्टर ने बोल दिया आपके पास तो 3-4 महीने रहने के लग गए, कि जुपिटर की ये दृष्टि जो है ना, ये आपको विल पावर देगी, ये आपको ऐसी शक्ति देगी कि, या तो ये ईश्वर ऐसी शक्ति देंगे कि आप बस उससे निकल जाएंगे बाहर। आप सडन लॉसेस अगर आपको होने वाले तो आप बच जाएंगे उससे। सडनली आपके एक्सीडेंट्स होने लगे, हाउस ऑफ सडन है, अचानक से होने वाली चीजें एट्थ हाउस से ही होती है। अचानक से लॉटरी लग जाना, हमने सोचा थोड़ी ना लॉटरी लग जाएगी, तो लग गई। ये एट्थ हाउस का खेल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उल्टे सीधे रास्ते पे ना जाए, हम गाड़ी बहुत ध्यान से चलाए ताकि अचानक से कुछ हो ना, और अगर कुछ होगा भी तो आप गारंटीड रहिए कि जुपिटर आपको बचा लेंगे। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी गुड विशेस हमारी तरफ से, और बहुत अच्छा होगा एट्थ हाउस। जो लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, माइनिंग, जो लोग डीप समुद्र के अंदर काम करने वाले लोग, जो लोग काफी रिसर्च का काम करने वाले लोगों के लिए एनहैंस्ड करियर अपॉर्चुनिटीज आएगी। मेरे तो हिसाब से काफी नए ज्योतिष आएंगे और काफी लोग इसे आगे लेके जाएंगे ज्योतिष ज्योतिष को, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। पर एक और यहाँ से निवेदन है कि जो भी अगर आप देख रहे हो और आप ज्योतिष सीख रहे हो या आप सीखना चाहते हो,
या आप ज्योतिषों के पास जाते हो बीइंग पर्सन। रोहित जी, यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत सारे ज्योतिष आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ज्योतिष हमेशा पैशन होना चाहिए, प्रोफेशन नहीं। ये मैं हमेशा कहता हूं अपने, इसलिए हमारी फुल टाइम जॉब है। हम तो भाई जॉब करते हैं पूरा टाइम 8-10 घंटे, उसके बाद आके ये वीडियोस बनाते हैं ताकि एनीवन हु सीइंग उनको थोड़ा सा लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उनकी थोड़ी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। क्या पता वो हमारी एक वर्ड से अपनी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर ले जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाए। तो हम तो भूखे हैं दुआ के, हमें पैसा तो ईश्वर दे ही रहा है। और वो एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मेरे ग्रैंडफादर कहते थे, जो एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल हीलर और एस्ट्रोलॉजर थे, उनका एक कहना था कि जो कण कण में लिखा हुआ तेरा नाम और पैसे पैसे पे लिखा हुआ तेरा नाम, वो कचरे के डब्बे में मिलेगा, वो गार्बेज में मिलेगा, वो जमीन पे पड़ा हुआ मिलेगा, वो तुम्हारे पास चल के खुद आएगा। तो तुम खुद उसके पीछे किसी का नुकसान करके मत जाओ, अपना कर्म करो और ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, 100%। क्या क्या बात है। और इसी से हम आगे बढ़ते हुए चलते, इनके 10th हाउस पे जो है इनका कर्म स्थान, और जुपिटर अपने ही घर में दृष्टि डाल के यहाँ पे इनकी लाइफ चेंज करने वाला है। करियर में इनको इतना बिजी कर देगा ना रोहित जी कि इनके पास तो ना टाइम नहीं होगा चाय पीने का भी। जैसे आप अभी चाय पी रहे मैं देख सकता हूँ, वैसे इनके पास टाइम नहीं होगा चाय पीने का, दूध है, दूध, गुड़ वाला दूध। दूध भी पीने का टाइम नहीं होगा। अच्छा इनको इनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, इनके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होने वाला है। और अगर बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स में जाए तो इनका कर्म अच्छा होगा, इनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, इनकी लाइवलीहुड बढ़ेगी, इनका करियर में राइज होगा, इनको एक एक मार्क एक मतलब आप सोसाइटी में इनकी स्टेटस बनेगा, फेम होगा, बिजनेस नया शुरू होगा। अगर फादर के साथ बिजनेस करते तो बहुत अच्छी बात है, और फादर को हैप्पीनेस होगी, फादर खुश होंगे कि वाह मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पे चली गई है, वेरी नाइस, अच्छी करियर में ग्रोथ हो रही है। और इस घर से मतलब ये है कि ये घर आपसे सीधा सेकेंड हाउस से रिलेटेड है, आपकी तनख्वाह में भी इंक्रीज होने वाली है, आपके प्रॉफिट्स में इंक्रीज होने वाली है, आपको सडन गेन्स होने वाले, क्योंकि आपके 8th हाउस में भी यहाँ पे दृष्टि है, और आपके कॉम्पिटिशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि आपकी 6th हाउस में दृष्टि है। तो ओवरऑल अगर हम देखें रोहित जी, तो तीनों दृष्टियां, उनकी प्लेसमेंट इस पूरी कुंडली का जो लेखा जोखा वो ये है कि इनको हमें पार्टी देनी चाहिए, बोलना चाहिए कि आइए रोहित जी, आकाश जी, आइए हम पार्टी करें क्योंकि हमारी तो लाइफ सेट हो गई है। तो ओवरऑल वाह ये है इनकी कुंडली का एनालिसिस। और एक बात मैं कह दूं कि इनके लिए एक उपाय है, आज ही मैंने पढ़ा कि जो मीन लगन के लोग होते हैं, इनको बेनिफिट पाने के लिए इनको लाइफ में मनी, आज की तारीख में क्या सब इंपॉर्टेंट है, मनी राइट, पर सात्विक तरीके से मनी कमाइए। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हम भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अगर हमें कोई सामने से 10 रुपया दे देता है तो हम ले लेते हैं पर हम मांगते नहीं। तो इसी तरह सात्विक तरीके से काम करें। लेकिन एक मैं उपाय देता हूं आपको जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, आप आटा ले, जो हमारी वीट का आटा होता है, नॉर्मल आटा, वो आटा गूंदे, खुद गूंदे, किसी से गुंदवाए ना, खुद गूंदे, उसमें हल्की सी शुगर डाले, हल्का सा मतलब 1 पाव किलो, मतलब 250 ग्राम आटे में 1 पिंच शुगर डाले बस, और उसको कर ले, उसको ये कर ले, गूंद ले, और उसके छोटे छोटे गोले बना के जाके नदी में डाले या जाके नाले में डाले, नदी में, नाले में, या कोई भी बहते पानी में डाले जहां पे आपको लगता है यहाँ पे फिशेस होंगे। फिशेस को खाना देने से, और वो भी आटा देने से, आपका जो गुरु है वो एक 7th स्काई पे पहुंच जाएगा और अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। जी रोहित जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेजिंग रिजल्ट्स इनको मिलने वाले हैं। और आपने ये भी सही कहा कि हम कभी किसी से, आप जब भी किसी का बर्थ चार्ट एनालिस करते हैं, आप किसी से पैसे मांगते नहीं, आप तो कहते हैं मुझे सेवा का जरिया बनाना है। पर मेरा एक मानना ये भी है कि जो समर्थवान है, जो दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, कहा तो हमें भी जाता है कि अगर आपने कोई बर्थ चार्ट देखना है तो ऐसे नहीं देखना, और दिखाने वाले को भी कहा जाता है, क्योंकि वो उपाय फलीभूत होते ही तभी हैं। वो चीजें जो आप मुख से निकलेंगी कि तू निकलवाएगा, वो फलीभूत होते ही तभी हैं अगर कोई आपको दे, चाहे वो 1 सिंगल रुपीज क्यों ना दे दे, वो भी एक माना जाएगा। लेकिन ठीक है, हमारा ये
कोशिश है कि हमें लोगों का मार्गदर्शन करना है और ज्योतिष को सेवा का जरिया बनाना है, मेवा का नहीं। एग्जैक्टली ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर तरीके से आपने सभी 12 लग्नों के बारे में बताया। और अभी आज हम मीन लग्न पे पहुंचे बड़े एक लंबे एनालिसिस के बाद, और लोगों का भी एक अच्छा प्यार, अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे अब एक नई सीरीज, एक नए वीडियोस के साथ। देखते हैं अब आप क्या प्रेपरेशन, क्या एनालिसिस करके लेके आने वाले। इंतजार रहेंगे। मैं ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया राहु के गोचर पे। ओ वाह, ये साल तो राहु और केतु भी गोचर कर रहे हैं और बहुत मिस्टीरियस गोचर होने वाला है। तो हम मान के चलें बहुत जल्द वीडियोस देखने को मिल जाएं। आई थिंक आज यही वीक में आपको दिखने लग जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आकाश जी। मिलेंगे अब आपसे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय।